हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू फिलर फॉर्म. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है. इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं. और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट. एंड ये रहा हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. चलो, हमने डिस्कस कर लिया था क्या कुछ सोर्सेज रहते हैं हिंदू लॉ के. फिर हमने दयाभागा एंड मिताक्षरा में डिफरेंस भी देखा था, और साथ ही साथ देखा था टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है, स्पिंडा क्या होता है, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है. सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हो चुका था, और जिसमें हमने कुछ केस लॉज भी देखे थे. अब भी हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स से रिलेटेड, ठीक है. डाइवोर्स के क्या कुछ प्रोविजन है और इसको कंप्लीट कर लेंगे आज, और साथ ही साथ यदि टाइम बचा तो हम मेंटेनेंस को भी डिस्कस कर लेंगे. जल्दी से बता दीजिए कौन कौन आ गया है. दीप माता जी गुड मॉर्निंग, अभिजीत जी गुड मॉर्निंग, बाकी नहीं आया कोई. ब्रजेश जी, मोहम्मद जी, ललिता जी, रेखा जी, नीलम मिश्रा जी गुड मॉर्निंग. न्यू स्टूडेंट आप, गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी. चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए. रेखा जी नहीं आई, ललिता जी, चलो स्टार्ट करते हैं. डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ. तो सबसे पहले डाइवोर्स होता क्या है, जो कि लेटिन वर्ड डाइवोर्टम से लिया गया है, और विच मीन टू सेपरेट, कि अलग हो जाना. जब भी दो शादीशुदा लोग जो है वो अलग हो जाते हैं तो उनको उसको हम डाइवोर्स कहते हैं, मतलब सेपरेट हो जाना, ठीक है. अब बात करते हैं कि कब जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है. सेक्शन 13 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कब जो है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं. तो सेक्शन 14 में ये बोला गया है कि जब आपकी शादी होगी, ठीक है, जब किसी की शादी होगी उससे लेकर 1 ईयर तक डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं करी जाएगी, ठीक है. लेकिन जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस वहां पर देखो कि कभी ऐसा हो गया कि उस पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल है, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, इनसेन पर्सन है, कि उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, तब उस केस में जो है वो 1 ईयर से पहले भी जो है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी जा सकती है, ठीक है. तो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, पार्टीज कैन नॉट फाइल डाइवोर्स अनलेस एट द टाइम ऑफ पिटीशन 1 ईयर हैज लेप्स सिंस द डेट ऑफ मैरिज, ठीक है, कि शादी से की डेट से लेकर 1 ईयर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है. लेकिन एक्सेप्शन केसेस में की जा सकती है. अब बोला कि कब जो है वो डाइवोर्स पर्सन, अब जिन्होंने डाइवोर्स ले लिया है वो मैरिज कब कर सकते. तो सेक्शन 15 हमारा बात करता है जिस दिन आपको डाइवोर्स डिग्री मिल गई, ठीक है, डाइवोर्स डिग्री मिल गई उस दिन से लेकर जितना टाइम आपका अपील का बचा है, ठीक है, अपील का टाइम जब लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी के बाद एक्सपायरी हो जाएगा, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल
उसी के बाद जो है वो आप शादी कर सकते हो। ठीक है रेखा जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है तो सेक्शन 15 में ये बात बोली है कि कब जो है वो एक तलाकशुदा व्यक्ति जो है वो कब पुनर्विवाह कर सकता है। ठीक है किसी ना किसी के साथ शादी करेगा, है ना। तो सेक्शन 15 में ये बोला है कि जब जो है वो अपील का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायरी हो जाए, ठीक है, और जिस दिन से आपकी डिग्री मिली है उस दिन वो उस टाइम से जो अपील का टाइम है वो एक्सपायरी हो जाए, उसके बाद जब दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन ना रहे, ये ऑप्शन ना रहे कि हम लोगों ने तो साथ रहना था, चलो अपील करनी थी, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन ना रहे, ठीक है, तब दो है वो रिमैरिज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक रेमेडीज अवेलेबल है डाइवोर्स की अंडर हिंदू लॉ। ठीक है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है तो फर्स्ट है कि कुछ एक ग्राउंड दिए गए हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए दिए गए, जिसमें हस्बैंड भी डाइवोर्स ले सकता है, वाइफ भी ले सकती है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में दिया गया ग्राउंड्स जो कि अवेलेबल है हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए। तो सबसे पहले आता है अडल्टरी, यदि कोई अडल्टरी कमिट कर रहा है, यदि कोई क्रुएलिटी कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी। फिर है आपका डिजर्शन, किसी ने किसी का त्याग कर दिया, ठीक है, एक जैसे कि हस्बैंड ने त्याग कर दिया तो वाइफ के पास क्या है राइट कि वो डाइवोर्स ले सकती है। अब कन्वर्जन कर लिया, ठीक है, किसी और रिलीजन में जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया सॉरी, ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर हो गया किसी को, ठीक है, तो उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, किसी को जैसे वल्नरेबल डिजीज हो गई तो, या रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड हो गया, या प्रिज्यूम्ड डेथ, ठीक है, क्या उसको उस ऐसा माना गया कि 7 सालों से किसी ने देखा नहीं तो 7 सालों तक उसे जो है मृत घोषित कर दिया, ठीक है, मतलब मान लिया कि मृत वो उसकी डेथ हो चुकी है। सेक्शन 13(1)(a) कहता है कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर द 1 ईयर और मोर आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन डिग्री, ठीक है, जब जिस दिन आपकी जुडिशियल सेपरेशन डिग्री हुई, ठीक है, उससे लेकर 1 ईयर तक आपके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ। फिर है कि नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो भी शादी से रिलेटेड जो भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट उसके बनते थे, वैवाहिक अधिकार जो उसके बनते थे वो उसने जो है वो नहीं निभाए, ठीक है, आफ्टर पासिंग द डिग्री। अब है कि सेक्शन 13(2) में बोला है कि ये ग्राउंड्स जो कि किसके लिए ओनली वाइफ के लिए अवेलेबल हैं, तो क्या कुछ ग्राउंड्स हैं, तो बोला है कि हस्बैंड यदि बाइगेमी कर लेता है कि किसी और के साथ शादी कर लेता है तो फर्स्ट वाली वाइफ क्या बोल सकती है कि इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है और मेरे को इस ग्राउंड पर जो है वो डाइवोर्स दे दिया जाए, ठीक है, या तो हस्बैंड प्रूव हो जाता है गिल्टी के लिए, उसने किसी का रेप कर दिया ब्रिस्टियलिटी के लिए, सुडोमी के लिए, ठीक है, या तो मेंटेनेंस का केस चला हुआ है, ठीक है, तो मेंटेनेंस डिग्री पास हो गई है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 18 ऑफ हमा, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एंड नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर मैरिज सॉलमनाइज व्हेन वाइफ अंडर 15 and she repudiated the marriage before she was 18, ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि सबसे पहले तो एक वाइफ के पास कब राइट रहता है कि वो डाइवोर्स पिटीशन डाइवोर्स ले सकती है, कब कौन से ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकती है, सिर्फ वाइफ, तो यदि हस्बैंड ने मैरिज कर ली है किसी और के साथ, ठीक है, बाइगेमी हो गया, या हस्बैंड ने किसी का रेप कर दिया, ब्रिस्टियलिटी सोडोमी के चार्जेस उस पर लग पड़े, या मेंटेनेंस का केस चल रहा है और, ठीक है, कि सेक्शन 125 और सेक्शन 18 ऑफ हामा एक्ट, ठीक है, तो इसके अंडर जो है वो मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुई 1 ईयर तक, ठीक है, या तो मैरिज सॉलेमनाइज व्हेन, जब मतलब जब उनकी शादी हुई थी तो पत्नी कितनी ईयर की थी, 15 साल की थी, और जब तक वो 18 साल की होती उससे पहले पहले उन्होंने क्या कर दिया, शादी को खत्म कर दिया, रेपुडिएट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब है, अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में देखने का कुछ नहीं है, वैसे सब इजी है, ठीक है, लेकिन कुछ एक केस लॉज जो कि हमने पहले डिस्कस किए, क्या ग्राउंड्स अवेलेबल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ सेक्शन 13(1) में जो हमने डिस्कस किया, तो अडल्ट्री के बारे में हमने देखा, ठीक है, अडल्ट्री मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी पर्सन ने अपने स्पाउस से बाहर जाके, मतलब किसी और के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया। रिसेंटली जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, ठीक है, 2018 का, जिसमें अडल्ट्री को जो है वो अब
क्राइम नहीं माना जाता, बट ये स्टिल ग्राउंड है किसका, डाइवोर्स का। ठीक है, अब है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी नारायण गणेश दस्ताने वर्सेस सुचेता नारायण दस्ताने, 1975 का एक केस है जिसमें सुप्रीम, कहीं भी किसी को समझ नहीं आएगा, नीलम मिश्रा जी ठीक है, या कोई भी मोहम्मद जी, रेखा जी, ललिता जी, कोई भी ठीक है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था, कोर्ट ले डाउन द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर केस क्वालिफाइड फॉर क्रुएलिटी और नॉट। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि किस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये केस जो है वो क्रुएलिटी का है या नहीं है। ठीक है, तो बोला है कि यदि इसको हमें टेस्ट, इसको देखना हो, डिटरमाइन करना हो कि ये केस जो है वो कोई भी मैटर है जो उसमें क्रुएलिटी है या नहीं है, तो गिवन कंडक्ट अमाउंट यू द लीगल क्रुएलिटी एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि क्रूरता का गठन करने वाले कथित कृत्यों को साक्ष्य के कानून के अनुसार जो है साबित किया जाना चाहिए। मतलब जब आपको प्रूव करना है कि ये पर्सन मेरे साथ क्रुएलिटी करता है, तो आप क्या करोगे, जो भी क्रुएलिटी के जो भी साक्ष्य हैं, मतलब सबूत है, उसको आप प्रूव करोगे। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्रुएलिटी को। ठीक है, फिर है आपका कि अप्रिहेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कि जो पटिशनर है उसके मन में डर होना चाहिए, अप्रिहेंशन होनी चाहिए उसके माइंड को भी, और रियल इंजरी, उसकी फिजिकल इंजरी भी, और उसकी मेंटली में भी क्या हो रहा है, माइंड में भी ऐसा हो कि डर वाली सिचुएशन हो कि ये पर्सन जो है वो मेरे को चोट पहुंचा सकता है, या चोट पहुंचाने की आशंका होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रिहेंशन भी होनी चाहिए किसके माइंड में, पिटिशनर के माइंड में। सेकंड बोला अप्रिहेंशन शुड बी रीजनेबल होना चाहिए, जो भी डर है पार्टीज को ठीक है वो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और हैविंग रिगार्ड टू द कंडीशन ऑफ पार्टीज, ठीक है, दूसरी पार्टी से उसको डर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला द पिटिशनर शुड नॉट हैव टेक एडवांटेज टू हिज पोजीशन, ऑफ हिज पोजीशन। बोला जो पिटिशनर है वो ऐसा ना करे कि एडवांटेजेस ले किसकी पोजीशन का, जो रिस्पॉन्डेंट जिसके खिलाफ वो केस फाइल कर रहा उसकी, ठीक है, उसकी कंडीशन का, उसकी जो स्टेज है, मतलब उसका जो है किसी भी तरह से एडवांटेज ना ले। ठीक है, कि उसके अपने पद का जो है वो, कि ऐसा ना सोचे कि मैं पिटिशनर हूँ। ठीक है, कि आजकल जैसे लोग होते हैं, ठीक है, कोई यदि हम फीमेल की बात करें तो ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक कुछ परसेंट लेडीज ऐसी हैं जो कि ये जानती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कानून बना हुआ है, तो वो इस चीज का जो है वो नजायज फायदा भी उठाती है। तो बोला इस तरह की हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पिटिशनर शुड नॉट हैव कंडोन द एक्ट ऑफ क्रुएलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पिटिशनर है, ठीक है, उसने पहले माफ कर दिया हो। ठीक है, कि ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि ए और बी दोनों के बीच में लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, यहाँ पर बी जो है वो वाइफ है, वो चली गई कोर्ट। ठीक है, और ये मतलब जिस टाइम लड़ाई हुई उसके बाद ही अच्छे से रहने लगे। ठीक है, ठीक है, ये दोनों अच्छे से रहने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम के बाद, मान लीजिए कि 6 महीने के बाद बी चली गई कोर्ट और बोला कि उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्रुएलिटी करा था, तो बोला कि पहले आपको माफ नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, यदि आपको उस टाइम इंजरी हुई थी ना, तो आप उसी टाइम आ जाते, पहले आप बहुत अच्छे से 6 महीने से आप अच्छे से रह रहे हो, अब इतने के दिनों के बाद आपको पता नहीं आपके माइंड में क्या आया, आपके आपने केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रुएलिटी जो है वो दिया था किस केस में, नारायण गणेश दस्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दस्ताने के केस में। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने ले डाउन किया था टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द केस जो क्वालिफाई हो रहा है क्रुएलिटी के लिए या नहीं हो रहा। ठीक है, फर्स्ट ये बोला कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्रुएलिटी यहाँ पर हुई है, इस पर्सन ने जो एक्ट किया है वो क्रुएलिटी के अंदर, जैसे कि मार पीट करी, कोई भी मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करा उसको। दूसरा बोला कि अप्रिहेंशन होनी चाहिए किसके मन में, पिटिशनर के माइंड में, और रियल इंजरी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड बोला कि अप्रिहेंशन शुड बी रीजनेबल होनी चाहिए कि आप जो डर रहे हो, जो कि अप्रिहेंशन, ऐसा नहीं कि कुछ लोग नाटक ही करते रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, बोले रीजनेबल होनी चाहिए। ये टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग था कि आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो कि यहाँ पर क्रुएलिटी है या नहीं, और पिटिशनर जो है वो इसका फायदा ना ले। ठीक है, और पिटिशनर के द्वारा एक ना हो कि पहले जो है वो आराम से जो है वो माफी कर, मतलब माफ दे माफी कर दी,
दोनों बहुत अच्छे से रहने लग पड़े, ठीक है, 6 महीनों से अच्छे से अपना घर वगैरह गुजारा, सब कुछ ठीक चल रहा था उनके घर में। और बाद में जो है वो भी उठ के आ गया कि 6 महीने पहले तो इसने मेरे साथ मारपीट करी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याचिकाकर्ता को क्रूरता के कार्य को माफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजर्शन। डिजर्शन आप बहुत अच्छे जानते हैं कि एक हस्बैंड या वाइफ ने क्या कर दिया, एक दूसरी पार्टी का, दूसरे अपने पार्टनर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है। तो एक केस यहाँ पर बिपिन चंद्र जय सिंह वाई शाह वर्सेस प्रभावती, ठीक है, 1957 का केस है यहाँ पर। इट वाज सेड दैट डिजर्शन कुड बी कंक्लूडेड बाय इन्फेरेंस ओनली, ठीक है। यहाँ पर बोला कि परित्याग का निष्कर्ष केवल अनुमान से ही निकाला जा सकता, ठीक है, कि हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वेदर डिजर्शन हैज हैपेंड और नॉट डिपेंड अपॉन द फैक्ट, कि यहाँ पर डिजर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब एक पार्टी ने दूसरे का त्याग किया है या नहीं किया है, ये तो फैक्ट पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट पर, ठीक है, और उन सर्कमस्टांसेस पर। तो फॉलोइंग कुछ एक डिजर्शन के कंडीशन दिए हैं, बोले यदि वो प्रूफ होती हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है, डिजर्शन हुआ है। तो फॉलोइंग वुड बी यूज टू प्रूव द डिजर्शन, परित्याग साबित करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। फर्स्ट बोला कि पार्टी हैज अबेंडेंट द अदर पार्टी, ठीक है, कि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को छोड़ दिया होना चाहिए, ठीक है। अब बोला कि जो आपने त्याग किया है, ठीक है, जो कि आपने छोड़ा है, ठीक है, वो मैरिड लाइफ हैज एंडेड, ठीक है, वो इस तरीके से छोड़ा है कि आपने अपनी मैरिज लाइफ जो है वो एंड कर दी है, ठीक है, और आपकी इंटेंशन है कि आप अभी उसका त्याग, मतलब उस शादी को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कल को ऐसा हो कि 2 सालों से कोई पर्सन आया, ऐसे लोग भी होते हैं कि 2 सालों से या 1 साल से जो है वो घर नहीं आ रहा, कहीं और रह रहा है, पता नहीं क्या क्या मजे कर रहा है वहां पर जाके, है ना, कि अपने पैसे कमा रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो साल के बाद घर आ जाए और ये बोले, तो ऐसी वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए कि उसको अपनी मैरिज जो है वो खत्म ही कर देनी, ठीक है, कि इंटेंशन बिहाइंड जो भी त्यागा है उसने, अबॉर्डनिंग, ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए कि एंड कर देना है उसको मैरिड लाइफ का, ठीक है। फिर बोला कि नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ अबॉर्डनिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड मान लीजिए कि अब पत्नी पति को छोड़कर चली गई, मान लीजिए बी छोड़ के चली गई, तो यहाँ पर ए जो है रोज शाम को आके मारपीट करता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो भी छोड़ने का है ना। तो बोले नो कंसेंट ऑफ पर्सन डिजर्टर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए और बी में से बी यदि घर छोड़ के चली गई, मतलब त्याग करके चली गई, तो उसने ए के साथ जो है वो क्या करा हो, कंसेंट ली। तो बोले नहीं, कंसेंट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो भी डिजर्टेड पार्टी पर्सन है, तो ठीक है, और डिजर्टेड पर्सन जो भी परित्यक्त, मतलब जिस भी व्यक्ति का त्याग किया है, ठीक है, वो पर्सन हैज नॉट गिवन एनी कॉज ऑफ, उसने वो कोई भी कारण ना दे कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर कारण था, उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मेरा ये पर्टिकुलर कारण था जिसकी वजह से मैंने क्या कर दिया कि इसको छोड़ दिया, ठीक है, पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, और इंटेंशन कैसी होनी चाहिए कि मेरे को अपनी शादी एंड ही कर देनी, खत्म कर देनी, इस इरादे से आप क्या करो, त्याग करो, ठीक है। डिजर्शन हैज बीन फॉर मोर देन 2 ईयर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फॉर डाइवोर्स इज मेड, ठीक है, कि तलाक के लिए आवेदन करने से पहले, ठीक है, 2 साल से अधिक समय से परित्याग किया गया होना चाहिए। कि आप देखते हैं ना कि आप बोलते हैं कि हस्बैंड से अलग अलग, मतलब अलग रह रही है कोई पार्टी, ठीक है, मतलब उसकी वाइफ, तो 2 साल हो गए हैं, तो आप इस ग्राउंड पर जो क्या कर सकते हो, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समझ आया, ये केस बिल्कुल समझ आ गया ना। तो यहाँ पर भी ये बताया था, यहाँ कुछ डिटेल में चीजें बताई हैं कि ये डिजर्शन है तो किस किस तरह का होना चाहिए। यदि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई रीजनेबल ग्राउंड है, घर में मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी वजह से दूसरी पार्टी चली गई है, तो बोला कि वैसी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए कि उसको तो त्याग ही कर देना, शादी मतलब खत्म करना, एंड ऑफ मैरिज हुआ होनी चाहिए, ठीक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कंसेंट ऑफ पार्टीज नहीं होनी चाहिए, और 2 साल हो गए होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट ऑफ क्रुएलिटी गिवन, हाँ, नारायण दस्ताने के केस में जो है वो टेस्ट ऑफ क्रुएलिटी डिटरमाइन करने के लिए जो है वो रीजनेबल ग्राउंड जो है दिए देते हैं, ठीक है।
चलो, कन्वर्जन, कन्वर्जन है आपका परिवर्तन, मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो बोला कि जब पति या पत्नी में से कोई भी पार्टी क्या करती है, शादी, कोई भी पार्टी जो है वो अपने रिलीजन चेंज कर लेती है, ठीक है। जैसे पहले हिंदू थी, बाद में मतलब मुस्लिम लॉ में एंटर हो, मुस्लिम रिलीजन में एंटर हो गई, या तो कोई मुस्लिम था वो हिंदू बन गया, तो इस तरह से यदि कन्वर्जन भी किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक है। द स्पाउस हैज कन्वर्टेड द सम अदर रीजन रिलीजन, ठीक है, कि जो स्पाउस है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए। अनसाउंड माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर टू एन एक्सटेंट दैट द अदर पार्टी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द स्पाउस, ठीक है। या ऐसा हो गया, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया यहां तक, ठीक है। और ये एक राउंड है, इससे अगला है आपका मेंटल डिसऑर्डर, कि यदि कोई पार्टी जो है वो किसी पार्टी में से किसी एक को, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को मेंटल डिसऑर्डर हो गया, जिसके कारण जो है दूसरी पार्टी उसके साथ रहना सोच भी नहीं सकती, मतलब एक्सपेक्ट ही भी नहीं कर सकती, उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं उसके साथ रहूंगी। या तो किसी को वल्नरेबल डिसीज हो गई, वल्नरेबल डिसीज हो गई मतलब कोई ऐसा डिसीज हो गया, ठीक है, जो विच इज कम्युनिकेटेड बाय द सेक्सुअल कंडक्ट, ठीक है। या तो रेनाउंसिएशन ऑफ वर्ड हो गया, कि कोई पर्सन जो है वो संसार को त्याग कर कहां पर चला गया, कहीं पहाड़ों में चला गया, है ना। तो रेनाउंसिएशन मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए, जस्ट की वेयरिंग अ साधु क्लोज, ये भी आप जो है वो जस्ट साधु वाले कपड़े पहनते हो, ये आपका रेनाउंसिएशन ऑफ वर्ड नहीं है। रेनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, हाँ, सरला मुदगल केस भी जो है वो जो कि रिलेटेड करता है कन्वर्जन, यूसीसी की बात करता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये है आपके ग्राउंड हो गए कंप्लीट, ठीक है। रिनाउंसिएशन वर्ड कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप साधु वगैरह के कपड़े पहन लेते हो तो आपका वो रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट है प्रिज्यूम डेथ, कि यदि कोई पर्सन जो है वो पास्ट लास्ट 7 ईयर से, 7 सालों से जो है वो इसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं कि वो जीवित भी है, ठीक है। तो प्रिज्यूम डेथ भी आपका एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। अब 1A में क्या दिया था, कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कि जब से जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिली है तब से लेकर जो है वो 1 ईयर तक जो है वो उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ, ठीक है। या जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री मिली है, ठीक है, और उसके बाद भी जो है वो नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर पासिंग अ डिग्री, ठीक है। डिग्री पास होने के बाद भी उनके बीच में कोई भी सेक्शुअल मतलब कंजुगल राइट जो भी आपके रिलेटेड होते हैं मैरिज के, ठीक है, वो उसने फुलफिल नहीं करे। अब ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, किसके लिए, वाइफ के लिए, जो कि हमने पहले भी देखे थे, ये थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ग्राउंड है। बाइगेमी, यदि हस्बैंड प्रूव हो जाता है गिल्टी ऑफ द रेप, सोडोमी, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस के चार्जेस लगे हैं। चलो नेक्स्ट है आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, 13B, बहुत ज्यादा केसेस उनमें फाइल होते हैं। यदि आप कोर्ट में कभी जाएं, यदि आप जाते होंगे, तो सबसे ज्यादा केस जो है वो इस 13B में ही फाइल होते हैं। डाइवोर्स भी जल्दी मिल जाता है, 6 महीनों तक, मतलब 6 महीनों से लेकर साल तक जो है वो डाइवोर्स मिल जाता है। 3 स्टेजेस होती है, 3 बार एविडेंस करवाने पड़ते हैं, लास्ट स्टेज में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, और आराम से जो है वो डाइवोर्स मिल जाता है। तो सेक्शन 13B में बताया गया है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इफ यदि ये प्रूव हो जाता है कि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए वो दोनों पार्टीज अलग रह रहे हैं, कि दोनों पार्टीज मतलब हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली फॉर द पीरियड ऑफ 1 और मोर दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, और वे दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, और वो दोनों म्यूचुअली एग्री हैं, हाँ, बहुत, यदि किसी के पास मैटर आ जाए ना तो इजी होता है, ठीक है, और जब दोनों पार्टी राजी हो तो वो पैसा भी ठीक दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है ना कि हमारे एडवोकेसी में क्या है, बहुत ज्यादा पहचान वगैरह, बहुत जैसे मार्केटिंग वाला सिस्टम होता है ना, कि इंसान की पहचान बननी चाहिए, फिर जो है वो काम करने का मजा आता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ना। चलो,
ठीक है। तो जब पार्टीज म्यूचुअली एग्री होती हैं, ठीक है, तो कि वो डिसॉल्व करवाना चाहती है अपनी मैरिज को, तो सेक्शन 13B में जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी जा सकती है। अब है जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, तो न्यायिक अगला, ठीक है, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों पार्टीज के बीच में मतलब अनेबल हो जाए दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए कोर्ट क्या करता है उसको 6 मंथ का जो है वो जुडिशियल सेपरेशन जो है वो दे सकता है, ठीक है, ताकि पार्टीज क्या कर सके, थोड़ा सोच सके कि कभी कभी ऐसा होता है ना लोगों में, जैसे रिश्तों में थोड़ा बहुत मनमुटाव तो चलता रहता है, लेकिन यदि क्या हो कि मतलब उनको बाद में जब अलग अलग हो जाए तो एहसास होता है कि एक दूसरे की जरूरत का, तो इसी उद्देश्य के लिए जुडिशियल सेपरेशन जो है वो एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है जुडिशियल सेपरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विवाह को समाप्त नहीं करता जुडिशियल सेपरेशन, कोई एंड ऑफ मैरिज नहीं है, ठीक है, इसका रियल पर्पस ये है कि जो भी पति पत्नी, ठीक है, वास्तविक उद्देश्य पति पत्नी जो अब एक दूसरे के प्रति जो है अपने वैवाहिक कर्तव्य से मुक्त है और इस स्थिति पर पुनर्विचार करें कि वो एक अकेली लाइफ जीना चाहते हैं, कि वो कि मतलब एक टेस्ट ले ले कि अपनी सिंगल लाइफ यदि अच्छी है, या उनको होता है कि एक दूसरे के कुछ जरूरत होती है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी छोटे छोटे मैटर्स पर, अब घर में तो ऐसा होता ही है ना, कहते हैं 2 बर्तन रहेंगे तो वो टकराएंगे तो जरूर है ना, तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये कोर्ट का ये उद्देश्य रहता है कि कुछ टाइम के लिए उनको थोड़ा सा सेपरेट रखा जाए ताकि वो ये देख सके कि अकेला जीवन कैसा होता है, ठीक है, और यदि उनको बाद में भविष्य में यदि उनको इकट्ठा होना भी हो, ठीक है, भविष्य को एक बार जो है वो फिर से एक साथ रखने का जो है वो प्रयास करने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन के 1 वर्ष के बाद जो है वो क्या दे दिया जाता है, डाइवोर्स जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है, After 1 year of judicial separation, divorce may be granted. Section 10 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। Section 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन दिया गया है। जुडिशियल सेपरेशन का ये तो था एक इजी सी लैंग्वेज में, ठीक है, कि क्या पर्पस है, लेकिन ये सेक्शन 10 का बेयर लैंग्वेज है कि आइदर पार्टी ऑफ अ मैरिज, ठीक है, वेदर सॉलेमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, चाहे वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ हो या बाद में हुआ। सेक्शन 13 क्लॉज 1 में बिजनेस किसी भी आधार पर पत्नी के मामले में किसी भी आधार पर न्यायिक अगला की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, कि सेक्शन 13(1) में जो ग्राउंड दिए गए हैं, ठीक है, थीके? जो कि वाइफ को ग्राउंड मिलते हैं, तो हाँ क्या पता पैचअप हो जाए, हाँ इसी उद्देश्य से जो है वो ये सेक्शन 10 बनाया गया। चलो तो बोला है कि यदि उन ग्राउंड्स पे बेस पर जो है वो पिटीशन फाइल करनी हो जुडिशियल सेपरेशन की तो की जा सकती है, ठीक है, और ठीक है, ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बहुत इजी इजी कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसको जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड्स अंडर द सेक्शन 13 आर एक्चुअली ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, जो सेक्शन 13 में जो है वो ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के, लेकिन सेक्शन 13A जो कि बात करता है, ठीक है, कि अल्टरनेटिव रिलीफ फॉर जुडिशियल सेपरेशन इवन व्हेन दिस केस इज फाइल्ड फॉर द डाइवोर्स, ठीक है, कि जब केस फाइल किया जाता है डाइवोर्स के लिए तो जुडिशियल सेपरेशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, कि कुछ टाइम तक जो है वो आप क्या करो अलग अलग रह के देख लो, यदि आपको ठीक लगता है, ठीक है, यदि आपको ठीक लगता है कि आप अलग अलग रह सकते हो, ठीक है, तो आपको डाइवोर्स दे दिया जाता है, ठीक है, कुछ एक पार्टी जो है वो वैसे बन भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ चलो सेक्शन 13A वाला बात करी गई है, अल्टरनेटिव रिलीफ क्या है, ठीक है, सेक्शन 13A हाँ हमें ही फाइल करना पड़ेगा जुडिशियल सेपरेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि अल्टरनेटिव रिलीफ इन जुडिशियल डाइवोर्स प्रोसीडिंग, अल्टरनेटिव रिलीफ क्या क्या है कि एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन पिटीशन फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है,
पता क्या होता है कि कई बार जो है वो एकदम से डाइवोर्स जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता, तो पार्टीज क्या करती है कई बार जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल कर देती है, ठीक है। और यदि जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट हो गया तो 1 साल के बाद जो है वो डाइवोर्स के लिए जो है इस ग्राउंड पर कि हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, उस ग्राउंड पर जो है वो क्या किया जा सकता है, केस फाइल किया जाता है डाइवोर्स का, ठीक है। तो इजी रहता है उसके लिए। यदि बाद में जैसे मान लीजिए कि अब किसी की नई नई मैरिज हुई, ठीक है, वो इकट्ठा नहीं रहना चाहते, अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या है कि जो हमारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए गए हैं वो ये कहता है कि 2 सालों से तो अब अलग अलग रहते होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि डिजर्शन बताया, ठीक है। तो जो जो ग्राउंड्स दिए गए यदि वो प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको डाइवोर्स जो है वो मिल जाता है। तो कई बार पार्टीज ऐसा सोचती हैं कि हम जुडिशियल सेपरेशन ले लेंगे या एडवोकेट ही उनको सलाह देते हैं कि आप लोग अलग अलग रहो, ठीक है, यदि खुद से अलग नहीं रह रहे, जुडिशियल सेपरेशन जो है वो का डिग्री आप ले लो, ठीक है, उस तरीके से जो है वो अलग अलग रह सकते हो, फिर 1 साल हो गया, 1 साल के बाद है वो उसके लिए पिटीशन फाइल कर देना, है ना। तो ऐसा होता है। चलो सेक्शन 13A बात करता है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग की, तलाक की कार्रवाई के वैकल्पिक राहत क्या क्या है। तो बोला इन एनी प्रोसीडिंग, तो इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन द पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डाइवोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटीशन एंड इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन, जो कि कहां पर मेंशन किए गए हैं, 13 क्लॉज 2 में, ठीक है। इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में तलाक की डिग्री द्वारा विवाह को भंग करने की याचिका पर सिवाय इसके कि जहां तक याचिका जो सेक्शन 13 है क्लॉज 2 है, सेक्शन 13 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है, 4 में क्या दिया है और आपका 7 में क्या दिया है। तो ये जो हमारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है ना, एक मिनट, एक मिनट रुकना ना। अल्टरनेटिव रिलीफ क्या है कि आप और क्या अल्टरनेटिव रिलीफ ले सकते हैं डाइवोर्स पिटीशन से, ठीक है। तो यहां पर बोला कि यदि आप, मैम फिर से बता दो, नेट चला गया, एक मिनट रुकना दिखमाना जी, नेट चला गया था तो आप जो है वो क्या कर सकते थे, खुद से भी क्या कर सकते थे मैम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, एक मिनट रुकना। आप ना पता क्या करो, जब नेट चला जाए तो बाद में देख लिया करो, टाइम लगे तो। एक तो पता है आप लोगों की क्लासेस ही बहुत होती हैं, तो बाद में क्या देखना, इतनी क्लासेस लगाना है बहुत मुश्किल है। पेपर 1 की लगाओ, पेपर 2 की लगाओ, खतरनाक वाली सिचुएशन होगी आपकी भी। एक तो जब क्लास लगती है ना तो लोगों को फोन बड़े दिखते हैं, फोन 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 फोन। चलो अल्टरनेटिव रिलीफ और इन डाइवोर्स पिटीशन, बोला कि इस प्रोसीडिंग में जब आप डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चली है तो क्या कुछ अल्टरनेटिव रिलीफ जो है वो आप ले सकते हैं। तो किस ग्राउंड पर, जो 13 क्लॉज 2 दिया गया है, क्लॉज 2 वो क्या बोल बात करता है, क्लॉज 2 में बात करी है ये सीज टू बी द हिंदू कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन की बात करता है। एंड 6 बात करता है आपका रिनाउंसिएशन, मतलब आपने रिनाउंस कर दिया वर्ड, ठीक है। और आपका 8, 7 क्या बात करता था, प्रिज्यूम डेथ, ठीक है, यदि किसी पर्सन ने किसी पर्सन को 7 सालों से देखा ही नहीं किसी ने,
ऐसा देखा ही नहीं कि इस पर्सन ये पर्सन जिंदा है, ठीक है, तो उसको प्रिज्यूम मान कर लिया जाता है कि मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस ग्राउंड पर भी जो है वो क्या किया जा सकता है, अल्टरनेटिव रिलीफ, बोले न्यायालय इस यदि वो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचता है तो इसके बजाय न्यायिक अगलाव का आदेश जो है वो पारित कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो इन ग्राउंड्स पर जो कि ये दिए गए क्लॉज टू, ठीक है, उसके बेस पर जो है वो जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो पास कर सकता है डिग्री को, ठीक है। सो एक्सेप्ट द सबसेक्शन, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुई, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। ये बोला हमने क्या बात देखी, सेक्शन 10 में देखा जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है, सेक्शन 10 में हमने देखा जुडिशियल सेपरेशन मीन कि पार्टीज को क्या कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए अलग रखा जाता है, ठीक है, कि आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री फाइल कर सकते हो किस बेस पर कि आपको अब इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है, आपको डाइवोर्स लेना है, ठीक है, आप क्या करो कि हमें जुडिशियल सेपरेशन दे दो, ठीक है, इस ग्राउंड पर हम बाद में क्या कर लेंगे, डाइवोर्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो फाइल कर सकती है पिटीशन, किसके लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए, ठीक है, और आफ्टर द मैरिज, मैरिज सॉल्वेनाइज, मैरिज जो है सॉल्वेनाइज, या बिफोर या आफ्टर मैरिज जो है वो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यहां पर बोला कि कोई भी पार्टीज क्या कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है, और जो कि स्पेसिफाई किया है सेक्शन 13 क्लॉज 1, ठीक है। क्लॉज 1 क्या बात करता है कि कोई भी मैरिज, ठीक है, कोई भी पार्टीज, ठीक है, जिनकी मैरिज हो चुकी है वो आफ्टर या बिफोर सॉलेमनाइज द मैरिज क्या कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है, जैसे कि डाइवोर्स में बताया कि वो अपनी जो शादी है, ठीक है, उसको जो है वो डिसॉल्व करवाना चाहती है, इसलिए आप क्या कर दो कुछ टाइम के लिए हमें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है वो दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि जुडिशियल सेपरेशन जो कि दिया गया है कहाँ पर, सेक्शन 10, तो ये आपका एंड ऑफ मैरिज नहीं है, बट ये क्या है, ग्राउंड बन जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन जब 1 ईयर उसको कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपको अल्टरनेटिव रिलीफ पर, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो इस बेस पर जब आपका जुडिशियल सेपरेशन 1 ईयर का हो गया, आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपका अल्टरनेटिव रिलीफ, अल्टरनेटिव रिलीफ की बात बोली कि एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट जो है वो यदि डाइवोर्स पिटीशन में चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए, ठीक है, और किस किस ग्राउंड पर जो है वो आप क्या कर सकते हो, मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हो, तो कन्वर्जन के ग्राउंड पर, रेनाउंसिएशन ऑफ के ग्राउंड पर, या प्रज्यूम डेथ के ग्राउंड पर, अल्टरनेटिव ये रिलीफ ये है कि यहाँ पर आपको यदि आपका ये प्रूफ हो जाता है तो इंस्टेंट आपको क्या मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जुडिशियल सेपरेशन में भी ग्रांटेड फॉर रिमेनिंग राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, जो इतने भी आपके जुडिशियल सेपरेशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, जो अदर रिमेनिंग राउंड बच गए ना डाइवोर्स की, जैसे कि हमने ये ग्राउंड्स देखी, ये 3 ग्राउंड्स देखे, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा यदि दूसरे पक्ष ने अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ जो है वो क्या क्या हो, कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स, जैसे कि वाइगैमी करा हो, ठीक है, वाइगैमी तो चलो हस्बैंड ही करता है, ठीक है, लेकिन किसी अडल्ट्री करा, ठीक है, अडल्ट्री, अडल्ट्री किसी ने कमिट करा हो कि दूसरे पक्ष ने किसी भी, मतलब दोनों पार्टीज में से किसी ने भी वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करा हो विद एनी पर्सन, ठीक है, विद अदर अदर देन हिज स्पाउस, के अपनी शादी से बाहर जाके उसने किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फिर की ट्रीटिंग द स्पाउस विद क्रुएलिटी, यदि क्रुएलिटी वहां पर प्रूफ हो जाती है, यदि डिजर्शन कर दिया है उसका 2 ईयर तक, ठीक है, तो इमिडिएट प्रोसीडिंग ऑफ अ पिटीशन, और या तो स्पाउस जो है वो या अनसाउंड माइंड है, या सफरिंग कोई भी मेंटल डिसऑर्डर उसको हो गया है, ठीक है, तो ठीक है, मतलब जिसकी वजह से वाइफ का उसके साथ रह पाना या किसी भी पार्टीज का वहां पर उसके साथ रह पाना बहुत मुश्किल है, और यदि स्पाउस जो सफर कर रहा है वल्नरेबल डिसीज से और इन द कम्युनिकेबल फॉर्म, ठीक है, तो इस ग्राउंड पर भी जो है वो क्या किया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है।
और फॉर द रिमेनिंग ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स पर भी जुडिशियल सेपरेशन आप ले सकते हो, मतलब इन ग्राउंड पर आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो कि मेरे को अब इसके साथ रहना नहीं। और इसके अलावा बोला कि वाइफ कब फाइल कर सकती है, एडिशनल ग्राउंड क्या क्या है वाइफ के पास, कि वो यदि जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन उसको फाइल करनी होती है तो उसके पास क्या क्या ग्राउंड है, यदि वो प्रूव कर देती है कि उसका हस्बैंड बाइगेमी कर रहा, ठीक है, कि उसने किसी और के साथ शादी कर ली है, ठीक है, मैं उसकी पहली पत्नी हूँ, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, वो आता है बाइगेमी में, यदि उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, यदि वो प्रूव हो जाता है गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी के लिए, सेक्शन 18 और 125 सीआरपीसी, जब हमने बात करी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वहां पर वो केस चला हुआ है, यदि उसकी शादी हुई थी जब वो 15 ईयर की थी और 18 साल की होने तक जो है उसने अपनी मैरिज क्या करवा दी, रेपुडिएट करवा दी, ठीक है। तो यहाँ बोला कि सिंस द डिग्री ऑफ द सेपरेशन डज नॉट इररिलेटिवली स्नैप द लीगल टाई एंड चांसेस ऑफ अप्रोचमेंट और स्किल कैप्ट अलाइव, ठीक है, यहाँ पर बोला कि चूंकि अलग होने का आदेश जो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर उनको मिला है वो अपरिवर्तनीय रूप से कानूनी संबंधों को समाप्त नहीं कर सकता, मेल मिलाप की जो उनके बीच में पैचअप होने वाली जो संभावना है वो अभी भी जीवित है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अदालतें गहरी चिंता के साथ तलाक के में मामले की बढ़ती संख्या और पार्टियां जो कि बच्चे और परिवार या समाज पर इनके प्रभाव को देखते हुए कभी कभी मामले की परिस्थिति के आधार पर तलाक की बजाय जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है वो प्रदान करती, ठीक है। कभी कभी बोला है कि यदि खुद भी जो है कि कभी कभी ऐसा हो ना कि अब देखो कि फैमिली में यदि डाइवोर्स चल रहा है तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पिस जाते हैं बच्चे, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली चीज है कि सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं, बच्चे, अदर फैमिली, उनके पेरेंट्स, ठीक है, सब, ये सोसाइटी एट लार्ज। बोला कि इसके बहुत इम्पैक्ट को देखते हुए, ठीक है, कोर्ट क्या करती है कभी कभी ये जुडिशियल सेपरेशन दे देती है कि ताकि सरकमस्टांसेस को देखते हुए, ठीक है। अब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अब मेरे को बताओ कि जहां तक हमने अभी डिस्कस किया वो समझ आ गया है। ठीक है, हरमिंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का केस हम डिस्कस करेंगे। ओके मैं नीलम मिश्रा जी, ठीक है, बाकियों को भी समझ आ गया ना, दीपमाला जी वगैरह, ललिता जी, ललिता जी आप लेट आई थी, और दीपमाला जी आप क्या करना, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, टाइम रहेगा तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज नोट्स भी इतने इजी है ना कि आप पढ़ भी सब लो तब भी हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, नोट्स भी बहुत इजी है और डिटेल में है, एक बार कोई पढ़ेगा तो आसानी से मतलब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, सेक्शन 9 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वी कैन सी आल्सो फाइंड द प्रोविजन, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है ना वो अलग अलग सेक्शन अलग अलग एक्ट में जो है वो अलग अलग दिए गए, जैसे कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है, ठीक है, अच्छा ज्वाइंट टाइमली, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है सेक्शन 9 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, अब बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 22 में दिया गया है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट में 26 में दिया गया है,
पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में नहीं, आपका सेक्शन 34 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ इंडो मैरिज एक्ट की। तो बोला कि व्हेन आइदर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल कॉज विड्रॉ कर जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ठीक है। ऐसा हो गया कि ये हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, उसने इन दोनों ने क्या करा, इनमें से एक ने भी क्या कर दिया बिना किसी रीजनेबल कारण। अब रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज वो क्या कर गया, अपने पार्टनर की सोसाइटी, मतलब पार्टनर के साथ रहना जो उसने छोड़ दिया, विड्रॉ कर गया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहना जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है, बिना रीजनेबल ग्राउंड के। तो इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकती है पिटीशन, ठीक है। कि कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई कह रहा है कि मेरी वाइफ चली गई है घर छोड़कर, ठीक है, वो अपनी मायके में रह रही है, बहुत टाइम से रह रही है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है वो फाइल करी जा सकती है पिटीशन, ताकि उसको बुलाओ और ये बोलो कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहो, ठीक है। तो यहाँ बोला कि आइदर हस्बैंड एंड वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ कर जाता है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर द एग्रीव्ड पार्टी के पास। एग्रीव्ड पार्टी का क्या मतलब है कि जो भी पार्टी, जैसे कि हस्बैंड छोड़ के चला गया तो वाइफ, वाइफ छोड़ के चली गई तो हस्बैंड, ठीक है, जो भी पार्टी एग्रीव, ठीक है, जो भी पार्टी रह गई है मतलब पीड़ित, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए। और कोर्ट यदि सेटिस्फाइड होता है स्टेटमेंट, मतलब उसको लगता है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है, ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट जो, मतलब कोर्ट जो है सेटिस्फाइड कर जाए, कोर्ट जो है वो संतुष्ट हो जाए जो भी उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, तो पिटीशन, ठीक है, तो देर इज नो लीगल ग्राउंड, एनी एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड द डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहां पर बोला यदि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री को जो है दे दिया जाता है। अदरवाइज या तो कोई भी, यदि किसी को लगता है कि यदि मतलब कोर्ट को ऐसा लगे कि ये पर्सन झूठी मूठी कहानियां बना रहा है, तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है उस पिटीशन को, ठीक है। तो यही बोला कि अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है, यह कि कानूनी अधिकार नहीं है कि आवेदन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि तथा अनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश जो है वो दे सकता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वेदर वेयर अ क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी एंड बर्डन ऑफ प्रूफ रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। तो ये बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि कोई पर्सन जो छोड़ के गया ना, ठीक है, वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उसको छोड़ के गया हो, ठीक है, और ये प्रूफ करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है, जो भी छोड़ के गया है, ठीक है, उसे साबित करना होगा कि वो जो है वो बिना किसी मतलब जो भी पार्टी रह गई है, ठीक है, जिसको छोड़ के गया, जैसे कि हस्बैंड जो है वो छोड़ के चला गया वाइफ को, तो हस्बैंड जो वाइफ है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा हस्बैंड बिना किसी कारण के गया है। यदि वाइफ भी चली गई है तो हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा जो मेरी जो वाइफ है वो बिना किसी रीजनेबल टाइम के, मेरे को मतलब कारण के, रीजन के छोड़ के चली गई है। यदि कोई रीजनेबल ग्राउंड, अब वो बता दे कि मेरा हस्बैंड तो रोज मेरे साथ मारपीट करता है, इसलिए मेरा तो इसके साथ रहना ही बहुत मुश्किल है, तो मैं इसके लिए छोड़ के चला गया, तो आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, यदि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, ठीक है, तो जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहता है रीजनेबल एक्सक्यूज का, शुड बी द पर्सन हु हैज विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, कि आप जो है वो, यदि बोला कि यदि कोई पर्सन जो है वो छोड़ के गया है ना, यदि उसको प्रूफ करना रहेगा तो वो ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर रीजन है उसकी वजह से मैं छोड़ के गया, ठीक है। यदि वो पर्टिकुलर रीजनेबल एक्सक्यूज दे देता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर, मतलब वो पर्सन छोड़ के गया है ना, तो उस पर भी ये रहेगा कि उसको ये बताना पड़ेगा क्यों तुम छोड़ के गए, क्या कुछ रीजनेबल एक्सक्यूज था, ठीक है, कि तुमने अपने हस्बैंड की या वाइफ की जो है वो सोसाइटी को विड्रॉ किया, ठीक है। और बोला कि जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है
वो विल बी इश्यू अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी, जो भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की जो डिग्री जो है वो, ठीक है, जो डिग्री जो है दी जाएगी, इश्यू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, वो हमारे ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी में जो दी जाएगी, ठीक है। तो फोर कंडीशन फॉर दिस डिग्री हैव बीन फुलफिल्ड, फोर कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले कि स्पाउस ने विड्रॉ किया हो फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, ऑफ द पिटिशनर, जो पिटिशनर है वो पिटिशन फाइल कर रहा है, तो उसको, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो स्पाउस है, मतलब मेरा हस्बैंड वाइफ जो भी जो छोड़ के गया है, उसे विड्रॉ किया है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। और विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी का मीनिंग यह है कि विदाउट एनी रीजनेबल, ठीक है, कि वो बिना किसी रीजन के टर्मिनेट कर गया, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया, और विद द इंटेंशन ऑफ फॉर सेकिंग द अदर्स, ठीक है, या परमानेंटली एंड इनडेफिनेटली अवॉइडिंग सच रिलेशनशिप, की वो जो है वो परमानेंटली या इनडेफिनेटली, ठीक है, काल तक रिश्ते को जो है त्याग देता है, ठीक है। फिर बोला है कि आपको दूसरा क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि नो रीजनेबल एक्सक्यूज, की कोई रीजन नहीं था उसके छोड़ने का, तो कोई रीजन ही नहीं था। हस्बैंड ये कहेगा कि मैं तो इसके साथ कोई मारपीट कर नहीं करता हूं, मैं तो बहुत अच्छे से रखता हूं, ठीक है, तो कोई रीजनेबल एक्सक्यूज जो है वो नहीं था उसको छोड़ने का। विड्रॉल सच विड्रॉल एंड सच द रिस्पॉन्डेंट अलेज द रीजनेबल एक्सक्यूज, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज हिम और हर, ठीक है। और यदि बोला कि हस्बैंड वर्किंग है, यदि वाइफ वर्किंग है और वो रिजाइन नहीं करना चाहती जॉब को, ठीक है, कि जब तक वो अपने पत्नी यदि काम करती है और पति के साथ रहने के लिए वो अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दे सकती, तो जब तक कि वह नियमित और लगातार सामाजिक और वैवाहिक संबंध बनाए रखती है, ठीक है, तो हम इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं कहेंगे। मतलब उसने जो है वो विड्रॉ कर दिया है सोसाइटी को, अब जॉब के पर्पज से गई है ना, और जब भी वो आती है अपने हस्बैंड के साथ जब भी रहती है, ठीक है, तो वो अपनी जो भी सोशल एंड कंजुगल रिलेशनशिप है उनको फुलफिल करती है, ठीक है। तो ये भी बोला कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑल जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, जो स्टेटमेंट आपने कही है वो ट्रुथ है, तो मेड इन अ पिटीशन, जो भी पिटीशन में आपने लिखी है वो सही है, तो और नो कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है एग्जिस्टिंग रिफ्यूजिंग द डिग्री, की डिग्री को अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी अधिकार आधार जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9, ठीक है। तो थ्री इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं, तो टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया, ठीक है, ये केस है 1983 का। यहां पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टर्म द सेक्शन एज वायलेटिव द आर्टिकल 21, 19 या 14, ठीक है। सुनो, अब बोला कि आप एक पार्टी ना अपने हस्बैंड, मतलब अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की सोसाइटी को विड्रॉ करके चले गए, मतलब बिना किसी रीजन रीजनेबल एक्सक्यूज के, क्या करा उसने अपने हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया, मतलब उसके साथ रहना बंद कर दिया। अब ये मानना था कि जब किसी पर्सन, कोई पर्सन रहना ही नहीं चाहता, तो उसको क्यों फोर्सफुली जो है वो रहने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के इस केस में ये बोला कि जो ये क्या है आपका आर्टिकल जो, ठीक है, आर्टिकल 21, 1914 का ये वॉयलेशन करता है हमारा सेक्शन 9, ठीक है, क्योंकि इट इज कॉल्ड अनसिविलाइज बारबरस एंड इंजन ऑपरेशन, ठीक है, कि ये जो है वो इसे सभ्य नहीं बताया, कि ये सभ्य नहीं है, बारबर है और इंजन उत्पीड़न जो है इसके कहा। और इस द रीजनिंग, ये तर्क ये दिया कि जो सेक्सुअल कोहैबिटेशन है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो सेक्सुअल इंटर कोहैबिटेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट का। सो डिग्री जो कि बेसिकली मेक द चॉइस फॉर द अदर पर्सन नॉट ओनली लिव विद द विद देयर स्पाउस बट ऑल्सो हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, ठीक है। तो यहां पर The court, the decree is taking away the autonomy of a person. ठीक है, यहाँ पे बोला कि decree किसी व्यक्ति की अपनी शरीर पर स्वायत्तता को नहीं छीन को छीन रही है, ठीक है, मतलब ठीक है, ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे से समझदार हैं, ठीक है। तो decree जो है वो बोला
यदि आप इस तरह की डिग्री फाइल करते हो तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो है एक मनुष्य के, ठीक है, कि एक जो डिग्री है वो इज ऑल इज टेकिंग अवे द ऑटोनॉमी ऑफ पर्सन ओवर हिज ओन बॉडी एंड नथिंग कैन कंसीवेबली बी मोर डिग्रेडिंग टू द ह्यूमन डिग्निटी। और बोला कि ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात दी जा रही है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की यहाँ पर इसमें बात करी जाती है जी, कंजुगल राइट आप परफॉर्म करो, ठीक है, जो भी आपके मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर इस केस में बोला था कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 का, बिकॉज थ्रू इट ट्रीट, क्योंकि ये जो है वो ट्रीट करता है मैन एंड वुमेन को इक्वली, बट द हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट ऑन द सेम फुटिंग इन द सोसाइटी, सो इट इज नॉट जस्टिस टू ट्रीट देम इक्वली, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला कि ये हालांकि एक महिला और एक पुरुष जो है एक साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समान, यदि हम समाज के स्तर पर देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो समाज में समान स्तर पर नहीं है, इसलिए उनके साथ जब आप इक्वलिटी ट्रीट करते हो तो ये जस्टिस नहीं है, तो ठीक है, सो सोसाइटी, सो इट इज नॉट जस्टिस टू ट्रीट देम इक्वली, ठीक है। फिर बोला इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करी थी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के लिए कब जो है वो ये मुद्दा उठा था, तो इस केस में उठा था आर्टिकल 21, 19 और 14 आर्टिकल के तहत जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, ये कहा था कि ये इन आर्टिकल की क्या कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है। अब इसके बाद एक और केस आया हरमिंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह 1984 का, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अ वेरी डिफरेंट अप्रोच अपनाई सेक्शन 9 को, और एंड नॉट ओनली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ इट बट आल्सो डिस्कस की इसकी एडवांटेजेस। यहाँ पर बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट था इसने सेक्शन 9 की वैधता को बरकरार रखा और ये कहा, और इस पर मतलब ना कि इसकी वैलिडिटी पर उन्होंने डिस्कशन किया, अदरवाइज उन्होंने एडवांटेजेस भी बताए कि क्या कुछ फायदे हैं इस सेक्शन 9 के। तो यहाँ पर बोला कि कोर्ट सेट इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अ फैमिली लॉ इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग अ वुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था इसी केस में कि यदि आप जो है वो फैमिली लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की चर्चा यहाँ पर कर रहे हो तो ये इस तरह से है जैसे कि चीन की दुकान, चीन मतलब एक चाइना शॉप में जो है वो एक बैल आ जाता है, ठीक है, उसकी तरह यहाँ पर कोर्ट, अब देखो कोर्ट के केस में ही ऐसा बोला गया था, एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन इज नॉट, यहाँ पर बोला कि रेस्टिट्यूशन जो हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है, और बट इट इज कोहैबिटेशन एंड देयर इज अ नॉट बारबरस, और ना ही तो ये बारबरस है ना ही जबरदस्ती है किसी के साथ, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि डिसप्रोपोर्शनेट एम्फेसिस ऑन द सेक्स ऑलमोस्ट बर्डनिंग ऑन द ऑब्सेशंस एंड हेड कलर्ड विद द व्यू ऑफ द लर्नर जज, ठीक है, यहाँ पर अदालत ने ये कहा कि असंगत जोर और लगभग जुनून पर आधारित है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन, और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 23 क्लॉज 3 जो कि प्रोवाइड करते हैं मेजर्स टू रिकनसाइल द कपल बिफोर गिविंग द डिग्री ऑफ डाइवोर्स, द कोर्ट कॉल्ड द सेक्शन 9 इज अ लिटमस लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ बोले लिटमस टेस्ट जो है उसे कहा जाता है अगर यहाँ पर उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ डिग्री डिसऑब्वे करी है तो ये क्या है आपका डिग्री ऑफ डाइवोर्स भी है, ठीक है, कि उनके बीच में रेस्टिट्यूशन ऑफ डिग्री जो है वो एक पार्टी ने जो है वो ली थी और उसके बाद भी जो है वो दोनों पार्टी साथ में नहीं रही, तो ये डाइवोर्स ऑफ ये ग्राउंड भी बन जाता है डाइवोर्स का। उसके अलावा वो बात करी कि सेक्शन 9 जो कि प्रोवाइड करता है टू पर्पस, फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट इज टू अटेम्प्ट टू रिकनसाइल एंड द सेकेंड एज अ मेजर ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, बिकॉज द लॉ गिव द पार्टी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a). यहाँ पे बोला कि पहला तो फर्स्ट ये देखो कि पहले क्या बोला कि सेक्शन 9 का कि यदि कोई भी पर्सन ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की जो डिग्री है उसे डिसऑब्वे करता है तो ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है फर्स्ट।
उसके बाद दो पर्पस और बताए. तो पहला तो बोला कि उनके बीच में सुलह, मतलब रिकनसाइलेशन का जो है वो प्रयास किया जाता है. पहला प्रयास जो है वो पहला अटेम्प्ट इसलिए किया जाता है कि तुम दोनों के बीच में बन सके. दूसरा है कि तलाक के उपाय के रूप में जो है वो के लिए, क्योंकि जो कानूनी पार्टियों को जो सेक्शन 13A के तहत जो है तलाक के लिए आधार देता है, मतलब यदि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की आपने डिग्री ली थी और पार्टी फिर भी डिसऑब्वे कर गई, साथ में नहीं रह रही है, तो आपके पास ग्राउंड है कि आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं. जब भी जैसे ही इस डिग्री को 1 ईयर हो जाता है तो आप डाइवोर्स के लिए डिग्री डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं. उसके बाद एक और केस आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का, 1984 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया विद हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह के केस में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, कि उन्होंने पर्पस बताया था सेक्शन 9 का, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा था इस केस में, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का केस था, ठीक है. यहाँ पर कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि फाइनेंशियल सेंक्शन बाय द वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द डिसऑबिडेंस ऑफ डिग्री, ठीक है. यहाँ पर बोला कि अदालत ने ये भी चर्चा की कि डिग्री की यदि अवहेलना हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है, तो संपत्ति की कुर्की भी करवाई जा सकती है, ठीक है, कि इस कुर्की के माध्यम से वित्तीय मंजूरी जो कि ऑर्डर 21 और रूल 32 ऑफ सीपीसी में दिया गया है. और ये भी बोला कि पार्टियों के लिए एक साथ रहने के लिए केवल प्रलोभन है, ठीक है. यहाँ पर बोला कि इंड्यूसमेंट फॉर द पार्टीज टू लिव टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू सेटल द डिफरेंट एमिकेबली. यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या है, जो भी उनका बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसको सुधारने का उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सेटल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है. कोर्ट ने ये कहा कि राइट है हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का, ठीक है. सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस इज नॉट मेयरली अ क्रिएट क्रिएचर ऑफ द स्टैट्यूट, क्योंकि अदालत ने ये कहा कि पति और पत्नी का दूसरे पति या पत्नी के समाज के में अधिकार केवल कानून का एक प्राणी नहीं है. इस तरह से सच राइट इन इज इनहेरेंट इन अ वेरिड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इट्सेल्फ. तो देर आर द सफिशियंट सेफ गार्ड सेक्शन 9 इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अ बीइंग, ठीक है. तो यहां पर बोला इस तरह का अधिकार जो है विवाह की संस्था में अंतर्निहित है और इसे अत्याचार होने से रोकने के लिए सेक्शन 9 में पर्याप्त जो है वो सुरक्षा का उपाय दिया गया, ठीक है. अभी मेरे को बताओ समझ में आ गया ये केस किस तरह से फ्रेम हो सकता है, जैसे कि कौन सा ऐसा केस था मतलब कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हरमिंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह के केस को एग्री करते हुए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात करी थी. तो कौन सा केस होगा इसका राइट आंसर, तो सरोज रानी, ठीक है. उन्होंने एग्री किया था हरमिंदर कुमार वर्सेस हरमिंदर सिंह के केस में, ठीक है, कि उन्होंने जो वैलिडिटी के बारे में बताया वो बहुत बढ़िया था और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है. इस केस में सिर्फ इतना बोला कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सेटल कर सकते हैं डिफरेंसेस जो भी आ गए हैं उनके बीच में, ठीक है. और साथ साथ में जो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल यदि सेंक्शन बाय द वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कभी हो गया कि कोई पार्टी जो है ना नहीं मान रही है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, स्पेशली हस्बैंड के केस में, ठीक है. तो ये केस जो है वो इस तरह से आ सकते हैं. जल्दी से बताओ, अभी हमने काफी केस भी डिस्कस कर लिए, ठीक है, जल्दी से बताओ यहां तक समझ आ गया. जल्दी जल्दी से बताना है.
अभी हमारे पास टाइम बच गया, इसका नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है? चलो मेंटेनेंस के क्या कुछ प्रोविजन है डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितना है ये। जो बच जाएंगे ना फिर मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगी, ठीक है? फिर हम कल और नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं अंडर हिंदू लॉ, तो टू एक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं पर्सनल हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ में, जो कि फर्स्ट है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेकेंड है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है? तो इन दोनों एक्ट में जो है वो प्रोविजन दिए गए हैं मेंटेनेंस के अंडर द हिंदू लॉ, और एक सेक्शन 125 सीआरपीसी जो बात करता है वो सभी के लिए, ठीक है? जहां ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड के लिए ग्राउंड है, या मतलब हस्बैंड ही मतलब हिंदू ही ले सकता है, ठीक है? कोई भी पर्सन, कोई भी जो किसी भी रिलीजन का है वो फाइल कर। सीआरपीसी तो बोला मैंने भी, गलत बोल दिया? हाँ, सीआरपीसी 125, ठीक है? चलो डिस्कस करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ठीक है? इसमें क्या कुछ प्रोविजन दिए गए हैं आपके मेंटेनेंस के। तो सेक्शन 25 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंटेड लिट, मतलब कि जब आपने पिटीशन फाइल करी ना, ठीक है? पिटीशन फाइल करी, जब आप क्या कर रहे हो, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो उस पिटीशन के चलते दौरान ही आपको, मतलब प्रोसीडिंग के चलते दौरान ही आपको जो है वो मेंटेनेंस दिया जाता है, ठीक है? मेंटेनेंस पेंडिंग लिटिगेशन, जब लिटिगेशन चल रही है, ठीक है, उसी की पेंडेंसी में ही, ड्यूरिंग द लिटिगेशन ही आपको क्या दे दिया जाता है, मेंटेनेंस दे दिया जाता है। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, और एक्सपेंसेस दिए जाते हैं जो भी प्रोसीडिंग, मतलब वहां जो भी खर्चा होएगा, जो भी एडवोकेट का खर्चा है, और जो भी उसकी, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्रोसीडिंग के, वो सब आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बोला कि इफ हस्बैंड और वाइफ जो है उसके पास इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, कि जो कि सपोर्ट कर सके जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं और प्रोसीडिंग ऑफ वो कोर्ट है, ठीक है, उसको जो है वो उठाने में समर्थ है, नहीं है, उसकी आय इतनी नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को, ठीक है, कि आप पे करो पिटिशनर को जो भी एक्सपेंसेस आते हैं प्रोसीडिंग के, जो एक्सपेंसेस आते हैं, और अमाउंट कितना होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है? अब देखो कि ऐसे ही किसी भी पर्सन को इतना बहुत बड़ा मेंटेनेंस नहीं दे दिया जाता, ये कोर्ट डिसाइड करती है बिल्कुल सोच समझ कर, बिल्कुल सब चीजों को, कितने डिपेंडेंट हैं, कितने घर में कमाते हैं, एक लड़का है उसकी महीने की इनकम 20,000 रुपया है, ठीक है, उसके माता पिता जो है मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे तो उनको भी खर्चा देना है, ठीक है, उनका बच्चा भी है, उसके छोटे भाई बहन भी अभी तक अनमैरिड है और पढ़ते हैं तो उसको भी खर्चा देना, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है वो आपका मेंटेनेंस लगाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी पर्सन जो है उसकी इनकम जो है वो कम है, और इतनी नहीं है, यदि है भी, यदि बिल्कुल भी नहीं है, यदि है तो इतनी नहीं है कि वो जो भी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, कोर्ट में, तो उसके एक्सपेंसेस उठा सके, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, रिस्पोंडेंट को ऑर्डर करेगी आप पिटिशनर को एक्सपेंसेस जो है वो दो, ठीक है, आप पे करो पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, और अमाउंट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, डिपेंड करेगा इनकम ऑफ पिटिशनर पर एंड रिस्पोंडेंट पर। हो सकता है कि पिटिशनर भी थोड़ी बहुत कमाती हो, है ना, या कमाता हो या रिस्पोंडेंट, ठीक है, तो रिस्पोंडेंट जब कितना कमा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सब कुछ देखा जाएगा, कितने डिपेंडेंट्स है, कितने घर में खाने वाले हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने क्या करता है, कोई पढ़ाई करता है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठाते हुए जो है मेंटेनेंस डिसाइड करा रहा है, और पेमेंट जो है वो मेंटेनेंस की हो जानी चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन से उसको सर्विस ऑफ नोटिस जाएगा, ठीक है, समन जाएंगे उस दिन से जो है वो 60 डेज में जो है वो मेंटेनेंस मिल जाना चाहिए। और मेंटेनेंस पेंडेंटे लिट कैन ऑल्सो गिवन इन अ प्रोसीडिंग विच इज देयर टू द डिक्लेयर द मैरिज नल एंड वॉइड, ठीक है, यहाँ पर बोला कि विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए एक कार्यवाही में रख रखाव, मतलब पेंडेंटे लिट भी दिया जा सकता है, ठीक है, यदि मैरिज जो है वो आपकी डिक्लेयर करवानी हो आपने नल एंड वॉइड तब, ठीक है,
और वैलिड मैरिज इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ मेंटेनेंस अंडर द सेक्शन 24, ठीक है। तो वैलिड यदि आपकी मतलब वैलिड मैरिज थी ये वो, मतलब ये आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है मेंटेनेंस के केस में। जब मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट मेंशन इन दिस सेक्शन, ठीक है, कि मेंटेनेंस पेंडेंट लिट कैन आल्सो बी गिवन। कि मेंटेनेंस जो है वो पेंडेंट लिट, जब हम प्रोसीडिंग के दौरान जो मेंटेनेंस की बात करते हैं, ये तब भी दिया जाएगा यदि मैरिज जो है डिक्लेयर हो जाती है आपकी नल या वॉइड तब, ठीक है। अब है आपका सेक्शन 25 जो कि बात करता है परमानेंट एलिमनी ऑफ मैरिज, ठीक है। अब पेंडेंट लिट था कि आप जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग क्या कर रहे हो, आपको मेंटेनेंस मिल रहा है। सेक्शन 25 में बात बोली गई कि आप परमानेंट एलिमनी दे दो मेंटेनेंस की, ठीक है, परमानेंट एलिमनी दे दो या तो आप मेंटेनेंस, मतलब परमानेंट एलिमनी का क्या मतलब है कि आप जो है वो इकट्ठे ही पैसे दे दो, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि डाइवोर्स लेना हो तो पार्टीज क्या करती हैं कि हमें 5 लाख दे दो, 10 लाख ले दो, दे दो, ठीक है, तो इकट्ठे ही पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर करता है कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री और एनी टाइम सब्सिक्वेंट दैट द रिस्पॉन्डेंट शेल पे, कि रिस्पॉन्डेंट पे करेगा एप्लीकांट को और हिज और हर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि अदालत द्वारा डिक्री पारित करने के समय या उसके बाद किसी भी समय आदेश दिया गया कि प्रतिवादी आवेदक या उसके रख रखाव या समर्थन का भुगतान करेगा और अग्रोस सम एंड सम ऑफ मंथली पीरियोडिकली नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। एक सकल राशि या मासिक राशि जो भी आप मंथली दे रहे हो या आवधिक राशि जो कि आवेदक के जीवन से अधिक ना हो, ठीक है। तो सम वुड बी एट द डिसाइडेड बाय कीपिंग द माइंड, ठीक है, एंड इनकम पर डिसाइड करा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, ठीक है, एंड रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर की प्रॉपर्टी को जो है देखा जाएगा। और कोर्ट क्या करेगी, मॉडिफाई रिस्क काइंड, यहां पर बोला कि परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर जो है वो आदेश या संशोधित रद्द जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो इफ द पार्टी इन दोज फेवर द कोर्ट ऑर्डर जो है वो पास हो गया है कि यदि रीमैरिज, ठीक है, जिस भी पक्ष के को ऐसा आदेश दिया जाता है कि वो पुनर्विवाह कर सकता है तो, ठीक है, और हिज सेक्शुअल इंटरकोर्स आउट ऑफ द बैड लॉ, देन उसकी मतलब तब उसकी मेंटेनेंस को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कि बोला कि या तो आप जो है वो पहले सेक्शन 25 में बात करी कि आप प्रोसीडिंग के दौरान मेंटेनेंस दोगे, सेक्शन 25 में बात करी कि परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस कि आपको परमानेंट की किसी का पर्पस ये है कि उसको मेंटेनेंस ही लेना है, ठीक है, सारी उम्र जो है उसको मेंटेनेंस लेना है, प्रोसीडिंग चली हुई है, ठीक है, या तो कोर्ट का ऑर्डर है कि जब भी या तो प्रोसीडिंग नहीं भी चली, ठीक है, समाप्त हो गई प्रोसीडिंग, ठीक है, और लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप हर महीने उसको 10,000 रुपए देते रहोगे, ठीक है, 10,000 देते रहोगे उसको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। तो बोला कि आप या तो उसको एक साथ पैसे दे सकते हो या आप मंथली भी दे सकते हो, ठीक है। तो और इसके अलावा बोला कि कुछ एक सर्कमस्टांसेस यदि चेंज हो जाती है ना, ठीक है, हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने शादी कर ली। अब देखो कि दूसरी पार्टी ने शादी कर ली तो उसको मेंटेनेंस थोड़ी ना मिलेगा, है ना, तो वो नेक्स्ट वाले हस्बैंड से जाके ले। तो बोला कि यदि किसी पार्टी ने शादी कर ली या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, वो आउट ऑफ द वेड लॉक, ठीक है सेक्सुअल इंटरकोर्स आउट ऑफ वेड लॉक जाके, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करवाया जा सकता है। आप जो है डायरेक्ट कोर्ट में जाओगे, ठीक है, या तो उसको टाइमली जो मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तब वो भी कोर्ट में जा सकती है, आप भी जा सकते हो, ठीक है, यदि कोई सर्कमस्टांसेस में जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है, यदि आपको कुछ भी गलती वहां पर नजर आती है कि इस या तो उस की मैरिज होगी, ठीक है, किसी के साथ जो है वो मैरिज होगी तो वो या तो कोई भी आपने ऐसा देख लिया कि वो अडल्ट्री कर रहा है, मतलब कहीं और सेक्शुअल इंटरकोर्स या इस तरह की उसको आदतें लग गई हैं गंदी, है ना, तो यहाँ पर जो है वो उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, मुद्दा उठा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और मेंटेनेंस का जो आपको ऑर्डर दिया गया है उसको मॉडिफाई भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अब है कि ये तो थे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, अब है हमारा
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 क्या बात करता है, ठीक है? तो देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है? जितना भी होगा बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, और जितना रहेगा फिर मैं बाद में बताऊंगी कितना इंपॉर्टेंट है और आपको खुद से कितना पढ़ना है, ठीक है? अब है आपका सेक्शन 3, बाकी समझ आ रहा है जल्दी जल्दी बता दो, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा बीच में बोल दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि कितना ही टाइम हमारे पास है, और हमारी 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ये भी हो जाएगी, ठीक है? अब ये भी हो जाएगी 2-3 क्लासेस में हार्डली, और धीरे धीरे हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, उस पर्पज से थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है? टाइम तो आपका ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, वही टाइम है जो कि हम क्लास में लेते थे। नीलम जी समझ आ रहा ठीक है? तो सेक्शन 3 क्लॉज बी में दिया है मेंटेनेंस की डेफिनेशन, ठीक है? डेफिनेशन दी है मेंटेनेंस की, तो यहां पर बोला कि इन ऑल केसेस में प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, ठीक है, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट, ये सब आपका मेंटेनेंस में आता है, ठीक है? लग्जरी लाइफ जो है वो आपके मेंटेनेंस में नहीं आती है, ठीक है? कि आप जो है उससे लग्जरी के लिए, मतलब अपने बहुत ब्रांडेड आप कपड़े पहनते हो, बहुत ब्रांडेड मतलब आपके शौक हैं, तो उनको फुलफिल करना जो है वो मेंटेनेंस में नहीं आता, ठीक है? करवा दूंगी दीपमाला जी, करवा दूंगी जी को, ठीक है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो भी करवाना है, ठीक है? और क्योंकि लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है, जून में, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब मेजरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आए थे। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कोई मतलब डिसाइडेड नहीं रहता कि हर बार की आपको यूनिट 1 से इतने क्वेश्चन आने हैं, यूनिट 10 से इतने आने हैं, यूनिट 2 से इतने आने हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं रहता, कभी भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है? किसी यूनिट से ज्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है, किसी यूनिट से कम पूछ लेते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेंटेनेंस, जो कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है सेक्शन 3 क्लॉज B में। तो ये बोला कि ऑल केसेस में जो कि प्रोविजन है फूड के, क्लॉथिंग के, रेजिडेंस का, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, जो भी आपके बेसिक नीड्स हैं, ये सब कहाँ पर आती है, इसमें आती है मेंटेनेंस में आती है, ठीक है? तो इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, ठीक है, यदि हम अनमैरिड डॉटर की बात करते हैं, तो आपको जो भी रिजनेबल एक्सपेंसेस है वो कब तक देना पड़ेगा, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, इंसिडेंट ऑफ हर मैरिज, ठीक है? तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब सेक्शन 18 बात करता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, ठीक है, मेंटेनेंस वाइफ जो है वो एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, के लिए एंटाइटल है फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड से जो है वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल। इन सम केसेस में वाइफ एंटाइटल रहती है मेंटेनेंस देने के लिए इवन इफ शी डज नॉट लिव विद और हर हस्बैंड, ठीक है, एंड इफ हर सेपरेट लिविंग इज जस्टिफाइड बिकॉज एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस अकर बिकॉज ऑफ द हस्बैंड, ठीक है? यहां पर बोला कि कुछ मामलों में पत्नी जो है वो इंटाइटल रहती है मेंटेनेंस के लिए, भले ही वो अपने पति के साथ रह रही है यदि नहीं भी रह रही है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, उसकी वजह से, कुछ ऐसी रीजन है जिनकी वजह से जो हस्बैंड के साथ जो है वो नहीं रहती है, ठीक है? तो सबसे पहले है आपका डिजर्शन, डिजर्शन मीन कि उसके हस्बैंड ने उसका त्याग कर दिया, ठीक है, त्याग कर दिया तब भी वो मेंटेनेंस के लिए जो फाइल कर सकती है, ठीक है? क्रुएलिटी करता, मारपीट करता, उसकी वजह से वो हस्बैंड को छोड़कर मतलब कहीं और रहने लग पड़ी, अपने मायके में चली गई, मेरे पास, मेरे साथ तो मारपीट करता है, या उसका हस्बैंड किसी, ठीक है, एनी अदर लिविंग वाइफ ऑफ हस्बैंड, ये भी उस पति की कोई और लिविंग वाइफ भी है, ठीक है, कंक्यूबाइन इन द सेम हाउस और हस्बैंड हैपीली रिजाइड्स विद द कंक्यूबाइन एल्सवेयर, ठीक है, एक ही घर में, या पति अदालतन कहीं और किसी के साथ रहता है तो, या कन्वर्जन किसी ने कर लिया, ठीक है, कन्वर्जन मीन रिलीजन चेंज कर लिया, तो इन सभी का कारण यदि वाइफ जो है वो उसके साथ नहीं भी रहती है तब भी इंटाइटल रहती है वो मेंटेनेंस लेने के लिए, ठीक है? इन अदर के कॉज क्या हो सकते हैं कि वाइफ वुड बी इन एलिजिबल है, कि वाइफ जो है वो अपने आप गुजारा भत्ता करने, मतलब अपने आप गुजारा चलाने में क्या है, इन एलिजिबल है, ठीक है? जैसा कि अगर वह अपवित्र है, हिंदू धर्म
से अपना धर्म परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यहां पर बोला कि वाइफ वुड बी इनएलिजिबल फॉर मेंटेनेंस। कौन कौन से केसेस हैं कि जिन पर वाइफ जो है वो इनएलिजिबल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सुनो कि बोला कि अदर कॉजेस क्या क्या है कि वाइफ जो है कब कब इनएलिजिबल हो जाती है। यदि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, ठीक है, तो वो इनएलिजिबल हो जाती है, तब वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। ठीक है, एक केस है नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा का, ठीक है, AIR 1994। ठीक है, इसमें बात करी गई थी मेंटेनेंस पेंडेंटेड रिट की। ठीक है, जो कि मेंटेनेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोला कि मेंटेनेंस पेंडेंटे लिट सो नॉट प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 18 में हमने क्या बात देखी थी कि ये देखा ना मेंटेनेंस फॉर ऑफ वाइफ। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 में जो है वो बात नहीं आती। सेक्शन 18 में सिर्फ मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकती है वाइफ, वाइफ के पास ग्राउंड है। तो यहां पर बोला कि हाँ मैरिज कर ली, कर रिलीजन चेंज कर लिया, हाँ, तो इस केस में जो है वो वाइफ क्या हो जाती है, इनएलिजिबल हो जाती है किसके लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए। ठीक है, किसी और के साथ आपने मैरिज कर ली या उसने रिलीजन चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा का केस देखो, 1994 का केस है। यहां पर बोला कि जो मेंटेनेंस डिपेंडेंट लिट है वो प्रोवाइड नहीं की जाती अंडर सेक्शन 18 में। ये जो मेंटेन पेंडेंट लिट है, मतलब जो प्रोसीडिंग के दौरान जो मेंटेनेंस आपको मिलता है, वो मिलता है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, HMA में मिलता है। ठीक है, क्या बोला कि कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकती है, बिकॉज अ सूट कैन टेक एयर टू द सेटल एंड अंटिल देन गॉट देन नॉट ग्रांटेड पेंडेंट लिट मेंटेनेंस वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सेक्शन 18। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो यहाँ सिर्फ को इतना ही याद रखना है कि जो पेंडेंट लिट है इस बारे में यहाँ पर बात करी गई थी कि ये ग्रांट नहीं किया जाता सेक्शन 18। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अभी अभी सेक्शन पढ़ा सेक्शन 24 जो कि बात करता है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि सेक्शन 24 बात करता है, यहाँ नहीं था वो लास्ट वाले इसमें था। ठीक है, हाँ यहाँ एक मिनट, हाँ ये जो बात करता है सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लिट की। तो ये सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो बात कही जाती है कि अब प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो मेंटेनेंस ले सकते हो, लेकिन ठीक है सेक्शन 18 में आप जो है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम तो कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कि आपको खर्चा चाहिए, लेकिन आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि आपको मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करनी है, मतलब आप प्रोसीडिंग के दौरान भी मेंटेनेंस लेना चाहते हो, तो आपको सेक्शन 24 में जाना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, यहाँ पर इस केस में बोला गया है कि जब भी केस फाइल किया जाता है ना, तो उसको सेटल करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि ईयर भी, मतलब वर्षों भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 18 में जो कि मेंटेनेंस का ऑर्डर मिलता है लास्ट में कि आप जो है वो इतना मेंटेनेंस को उसको दोगे। जो पेंडेंट लिट है जो बात करता है मेंटेनेंस जो कि ड्यूरिंग द लिटिगेशन जो मिलता है वाइफ को, ठीक है, तो वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ही मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। सेक्शन 19 में बात करी जाती है मेंटेनेंस ऑफ विडो विडो डॉटर इन लॉ। ठीक है, जो कि डॉटर इन लॉ मतलब अपनी बेटे की विधवा को जो है वो क्या दिया जाता है, मेंटेनेंस भरण पोषण जो है वो दिया जाता है। इन केस यदि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वो किससे मेंटेनेंस लेगी, तो वो अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर जी से जो है वो मेंटेनेंस लेगी। बाकियों को समझ आ रहा है सब कुछ, कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट रह गए। कौन कौन क्लास में नहीं है, मोहम्मद जी हैं, ललिता जी हैं, रेखा जी हैं, दीपमाला जी हैं, नीलम जी हैं, अभिजीत जी। अरे इतना इजी तो चल रहा है आज, आज तो फिर बोल भी नहीं सकते कि थोड़ा टफ है या मैडम कंफ्यूज कर रही हैं, है ना, तो कुछ भी नहीं है आज तो बहुत इजी इजी चल रहा है। फिर क्यों आप यहाँ पर कम रह गए स्टूडेंट, या मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है ना। चलो, तो एक केस है
अनिमुथु वर्सेस आपका गांधी मल ठीक है, केस है HLR 628/1977 का केस है, ठीक है। स्वर्णा जी भी आई है, ठीक है। चलो, तो लाइबिलिटी ऑफ फादर इन लॉ, यहां पर इस केस में बोला था कि लाइबिलिटी है फादर इन लॉ की जब तक कि उस विधवा बहू का पुनर्विवाह नहीं हो जाता, ठीक है। नाइन है, अरे मेरे को तो सिक्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे सिक्स दिख रहे हैं। हाँ चलो, तो बढ़िया है ना, सब होंगे क्लास में। चलो, तो बोला कि इस केस में ये बोला कि लाइबिलिटी है फादर इन लॉ की, ससुर जी की लाइबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस देंगे तब तक देंगे जब तक उस विधवा बहू की शादी नहीं हो जाती, वो रीमैरिज नहीं कर लेती, ठीक है। यदि वो सारी उम्र जो है वो ऐसे अकेले जीवन यापन करना चाहती है अपने, ठीक है, तो जो है वो उसको मेंटेनेंस कौन देंगे, ससुर जी देंगे, ठीक है। शी हैज ऑब्टेन अ शेयर इन द कैपेसिटरी प्रॉपर्टी, और इसके अलावा वो उसने प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो ले लिया है, ठीक है, हिस्सा प्राप्त किया है, लेकिन अपने पति की अलग संपत्ति में से, मैं या जो सेपरेट प्रॉपर्टी थी हस्बैंड की, या इंटरेस्ट ऑफ कैपेसिटरी प्रॉपर्टी जो है वो उसमें उस प्रॉपर्टी में जो है वो उसका हिस्सा जो है उससे छीना नहीं जा सकता, ठीक है। अदरवाइज जो है वो बोला कि फादर की ड्यूटी बनती है, फादर इन लॉ की ड्यूटी बनती है कि वो उस विडो बहू को क्या दे, मेंटेनेंस दे, और इसके अलावा उसको राइट है प्रॉपर्टी में, हस्बैंड या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, कुमासनरी प्रॉपर्टी में, जो भी उसके हस्बैंड का हिस्सा बनता था उसके शेयर, उसका शेयर जो है वो लेने। अब सेक्शन 20 में बात करी जाती है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स की, तो यहां पर बात करी गई है कि हिंदू लॉ में इज बाउंड टू मेंटेन, ठीक है। हिंदू लॉ में बोला है कि एक वैद और नाजायज, मतलब एक पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को, ठीक है, और एज्ड पेरेंट्स जो कि बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी देखभाल करे, उनका मेंटेनेंस दे, उनका भरण पोषण जो है वो करे, ये पर्सन कि एक बाउंडेशन, ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है या उसके एज पेरेंट्स हैं उनकी जो है वो उनको मेंटेनेंस दे, ठीक है। तो चिल्ड्रन ऑफ पर्सन कैन ओनली क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए ओनली जब तक वो माइनर है, ठीक है, या तो अनमैरिड डॉटर की बात आती है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, और उसके जो एज पेरेंट्स हैं जब तक वो जीवित हैं तब तक जो है वो उनको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर पेरेंट्स, एज पेरेंट्स में आपका चाइल्डलेस स्टेप मदर भी है कोई, ठीक है, सौतेली माँ भी है कोई, ठीक है, तो उसको वो भी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती, मतलब वो भी मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 20 में ये बात बोली जाती है। अब सेक्शन 21 में क्या बताए गए हैं, कुछ एक डिपेंडेंट्स बताए गए हैं कि आश्रितों को परिभाषित यहाँ पर किया गया है, तो अ डिसीज पर्सन, ठीक है, कि एक पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसका फादर, उसकी मदर, उसकी विडो, उसका सन, सन ऑफ प्रिसीडिंग, मतलब उसका पोता या पोते का मतलब बेटा, ठीक है, यानी कि पड़पोता, ठीक है, वो सब जो है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट्स होंगे, तो ठीक है, एज लॉन्ग एज अ माइनर, यदि माइनर है, ठीक है, इन केस ऑफ ग्रैंड सन एंड कैन नॉट ऑब्टेन द मेंटेनेंस ऑफ फादर, और फादर या मदर से वो ऑब्टेन नहीं कर सकता मेंटेनेंस, ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्रेट ग्रैंड सन कैन नॉट ऑब्टेन मेंटेनेंस फॉर द फादर और हस्बैंड, फादर, ठीक है, या तो अनमैरिड डॉटर के केस में बोला कि यदि अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्री डिसीज सन, यदि मतलब बेटे की पहले मृत्यु हो चुकी है और ऐसी डॉटर है, ठीक है, उसकी डॉटर है, यानी कि पोती है कोई, या तो अनमैरिड डॉटर और प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, ठीक है, इस तरह से जो है वो, यदि ये सब आते हैं आपके डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो यदि बोला कि सो लॉन्ग एज रिमेन अनमैरिड रहेगी, या प्रोवाइडेड दैट, इस तरह से वो अपने माता पिता की संपत्ति से, पोते पोती के मामले में माता पिता या अपने पिता या माता पिता या पिता की संपत्ति, यानी कि फादर्स की एस्टेट, फादर्स फादर्स की एस्टेट, मदर की एस्टेट, मदर्स फादर की एस्टेट, ठीक है, इस मामले में वो मतलब इन सभी की प्रॉपर्टी से जो है वो गुजारा भत्ता लेने से असमर्थ है, तो ये डिपेंडेंट्स के
की कैटेगरी में आएगी, और जो भी पर्सन बाद में प्रॉपर्टी लेगा वो मतलब जिसकी डेथ होगी, अब किसी उसकी डेथ होगी तो उसको उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना किसी को तो मिलेगी ना, तो ये सारे लोगों को वो भरण पोषण देगा, ठीक है। तो उनकी विधवा बेटी, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यदि बोला गया है कि अपने पति के संपत्ति से, ठीक है, या अपने बेटे या बेटी से या कोई भी अन्य उसकी संपत्ति से यदि उसने मेंटेनेंस नहीं लिया है, वो ऑप्टेन नहीं करती है मेंटेनेंस, या फ्रॉम हर फादर इन लॉ या फादर या स्टेट ऑफ आइदर देम, ठीक है, उनमें से किसी भी संपत्ति से जो है वो नहीं लेती है, या ये बोला कि कोई भी ऐसी विडो है, विडो ऑफ हिज सन मतलब बेटे की बहू, ठीक है, विधवा बहू, या सन्स ऑफ प्री डिसीज सन, या तो बेटे का बेटा मतलब सन्स ऑफ प्री डिसीज सन मतलब पोता, ठीक है, यदि मतलब जब तक ये पुनर्विवाह मतलब यदि बोला कि विडो के केस में आप बोला कि विडो जो है वो पुनर्विवाह नहीं करती, तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और हिज और हर माइनर इलीजिटिमेट सन, यदि उसका कोई मतलब किसी का भी उस मतलब जो भी डिपेंडेंट्स रह गए, ठीक है, उनका कोई इलीगल सन है, ठीक है, तो सो लॉन्ग एज जब तक वो माइनर है तो आपको इलेजिटिमेट सन, तो यदि कोई इलेजिटिमेट सन है तब तक वो किसी जब तक वो माइनर है तब तक आपको वो खर्चा देना पड़ेगा। यदि डॉटर है इलेजिटिमेट तो जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक जो है आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो डिपेंडेंट की लिस्ट बताई गई कि कौन कौन डिपेंडेंट होंगे। तो एक डिसीज पर्सन जिसकी भी डेथ हो चुकी है तो ये सब जो है वो आपके डिपेंडेंट्स होंगे, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 22 में, ये बोला कि सेक्शन 22 में ये बोला जो सेक्शन 21 में हमने डिपेंडेंट्स देखे उनको मेंटेनेंस कौन देगा, ठीक है, उनका भरण पोषण कौन करेगा, तो बोले जो भी उत्तराधिकारी एक मृत हिंदू प्रॉपर्टी के मतलब जिसकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जो भी प्रॉपर्टी लेगा, उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो जितने भी आश्रित हैं, जितने भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करे, मृतक से विरासत में मिली जो प्रॉपर्टी है उसको बाहर रखने के लिए बाध्य होते हैं, यदि उस विशेष आश्रितों को वसीयत, यदि जो भी डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने बिल वगैरह बना के चले गए तो उस बिल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो जिनको प्रॉपर्टी नहीं हुई मिली है तो उसकी उनको जो भरण पोषण करने का राइट है मतलब ड्यूटी है वो उन पर्सन की रहेगी जो भी प्रॉपर्टी जो है वो लेगा, ठीक है, जो जिस भी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलेगी वो उन जो जितने भी डिपेंडेंट्स है उनका भरण पोषण करेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है, और बाकी डिटेल में थोड़े नोट्स से यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्री धन की, तो इन एंशियंट टाइम में वुमेन कैन नॉट डिड नॉट हैव अ प्रॉपर्टी, की वुमेन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी पुराने टाइम में, महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो है वो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता। अकॉर्डिंग टू मनु हम बात करें, अ सन और अ वाइफ, अ स्लेव डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति में हमने देखा था ना, तीन स्मृति थी, कल ही किया था हमने, कौन कौन सी स्मृतियां थी, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मनु में क्या था कि ब्राह्मणों को बहुत उच्च वर्ग दिया गया था, मतलब अच्छी स्टेज पर रखा गया था, लेकिन शूद्रों और महिलाओं को कोई राइट नहीं दिया था। यज्ञवल्क्य में बाद में राइट दिए गए, ठीक है, और नारदा में तो और अच्छे से प्रोविजन बनाए गए, मतलब और ज्यादा कुछ और रूल रेगुलेशन ऐड कर दिए गए जिसमें उनको रीमैरिज करने का तक का राइट यहाँ पर मेंशन किया गया। चलो, अकॉर्डिंग टू मनु जब हम बात करते हैं कि वाइफ को और जो स्लेव थे, ठीक है, जो कि दास थे, उनको प्रॉपर्टी का कोई राइट होता नहीं था, वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकते थे, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो कि बिलोंग करती है, बिलोंग टू अ मेल, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी हमेशा ही जो है वो एक पुरुष की होगी, ठीक है, और जिसके संरक्षण में वे रह रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस भी आप अपने हस्बैंड के कंट्रोल में उनका उनके वही हस्बैंड जो है वो आपको मेंटेन कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में आप रह रहे हैं, तो उन्हीं की जो है वो प्रॉपर्टी होगी। पहले के समय में स्त्री धन महिलाओं की संपत्ति थी, मतलब जो भी स्त्री धन वो अपनी शादी के दौरान जो लेके आती थी, ठीक है, मतलब या उनकी जो भी अपनी प्रॉपर्टी होती थी उसको हम स्त्री धन जो है वो कहते थे। प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वे ओवर विच हैड एब्सोल्यूट राइट, जहां पर जिस प्रॉपर्टी पर जो वुमेन थी उसको एब्सोल्यूट राइट मिलता था,
और ओनली हैड लिमिटेड राइट, और कुछ एक लिमिटेड राइट जो है वो मिलते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्री धन बोलते हैं। अब स्त्री धन कंप्राइज द प्रॉपर्टी जो रिसीव करी गई है किसके द्वारा, गिफ्ट के द्वारा एंड पेरेंट्स के द्वारा उसको दिया गया है, वुमेन को दी गई, या तो उसके पेरेंट्स ने दी, या हस्बैंड ने दी, या क्लोज रिलेटिव ने दी किसी ने, ठीक है, या तो क्लोज रिलेटिव ऑफ पेरेंट्स हस्बैंड, ठीक है, या हस्बैंड के या माता पिता के क्लोज रिलेटिव के द्वारा वो प्रॉपर्टी उसको दी गई गिफ्ट के फॉर्म में दी गई, ठीक है, और किसी भी ओकेजन में हो सकती है, एट द टाइम टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनी, जिसे हम शुक्ला कहते हैं, शुल्का, सॉरी शुल्का, ठीक है, शुल्का ऑफ द प्राइस, ब्राइड प्राइस और द प्रॉपर्टी जो कि एक्वायर की गई, ठीक है, ओवन खुद की एबिलिटी से जो है उसने बाय एडवर्स पोजिशन या बिक्विस्ट, ठीक है, या किसी भी तरह से उसने खुद से अर्न जो प्रॉपर्टी करी, किसने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ये सब जहां पर उसको मतलब एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी पर, उसे हम स्त्री धन कहते हैं। अब स्त्री धन जो है वो फॉल अंडर द टू हेड, एक तो सदाई क्या, ठीक है, सदाई का और आपका नॉन सदाई का। अब फर्स्ट आता है आपका स्त्री धन जो कि है आपका सदाई का, ठीक है, कि गिफ्ट दिया गया लव और अफेक्शन में, कि किसी ने आपको प्यार से और स्नेह से कोई उपहार दिया, आपने गिफ्ट रिसीव किया, ठीक है, बाय अ वुमेन, जो गिफ्ट रिसीव किया जाता है वुमेन के द्वारा फ्रॉम द रिलेशन ऑन द बोथ साइड, हस्बैंड आपके पेरेंट्स और इन लॉज की, मतलब ससुराल वालों और मायके वालों की रिलेशन में जिस किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है। अब नॉन सुदाई का क्या क्या मतलब होता है, कि अन्य सभी प्रकार के स्त्री धन, जैसे कि कोई स्ट्रेंजर्स के द्वारा जो है वो गिफ्ट दिया गया, या आपने सेल्फ एक्वायर किया, ठीक है, सेल्फ एक्सर्शन, या ठीक है, इसी मतलब जो आपने प्रॉपर्टी खुद से एक्वायर करी उसको हम नॉन सुदाई का कहते हैं, ठीक है। अब नॉन स्त्री धन, ठीक है, कि यहाँ पर बोला कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है और मेल की और फीमेल की रिलेशन की, तो प्रॉपर्टी रिसीव की जाती है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो वो नॉन स्त्री धन में आती है, ठीक है। और हिंदू वुमेन्स को राइट मिल गया है प्रॉपर्टी रखने का, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब हम बात करते हैं 1956 में, तो बोला आफ्टर फेसिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म द वुमेन्स को राइट मिला है प्रॉपर्टी का, राइट, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट द पार्लियामेंट डिसाइड, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि विद एंड इम्प्रूव द लेजिस्लेशन, इम्प्रूव किया अपनी लेजिस्लेशन को, और प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन एनेक्टेड द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इन और वुमेन्स की के राइट से ही हमने एक मतलब राइट दिया गया वुमेन को प्रॉपर्टी का, और उसी के लिए हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जब हम बात करते हैं बोला है कि हिंदू महिला संपत्ति के अधिकार और अधिनियम पर बहुत आलोचना का सामना करने के बाद जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित एक बेहतर कानून बना के साथ आने का जो है वो फैसला किया, और इसमें जो है वो कुछ एक ठीक है एनेक्टमेंट करी गई इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जो सेक्शन 14 है हिंदू, ठीक है, जो सेक्शन 14 है हमारा, ठीक है, सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कन्फर द एडिक्वेट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन, जो सेक्शन 27 है वो बात करता है हमारा वुमेन्स की एब्सोल्यूट राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी का। एक मिनट रुकना, वो भी करेंगे मैं रेखा जी, ठीक है, वो सब करेंगे। तो सेक्शन 27 जो कि बात करता है हमारा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यदि हस्बैंड एंड वाइफ ने कोई प्रॉपर्टी ली है खुद से मतलब, तो बाद में एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स यदि हो जाएगा तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और मतलब जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो की जाएगी हस्बैंड और उनके पार्टनर के मतलब वाइफ के बीच में, ठीक है।
चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पर ये आपका सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट होना था, ये थोड़ा सा वर्ड में चेंज हो गया। देखो कंफ्यूजन कितनी छोटी सी चीज से हो जाती है ना। मैंने बोला पता नहीं कौन सा नया एक्ट आ गया जो ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस भी नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं है, ये क्या। तो चलो सेक्शन 14 में बोला है कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कन्फर करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, जो कि बात करते हैं कि एक महिला को पूर्ण संपत्ति का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है इसमें। जब हम बात कर रहे हैं कि पहले जो महिला थी, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी का इतना राइट नहीं था, बहुत लिमिटेड राइट था, ठीक है। और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज जैसे कि हमने बात करी कि स्त्री धन के फॉर्म में जो है उसको प्रॉपर्टी दी जाती, गिफ्ट की फॉर्म में दी जाती थी, सदक्या एंड नॉन सदक्या की फॉर्म में जो है वो आपकी सौदाइका, ठीक है, सौदाइका, ठीक है, सौदाइका एंड नॉन सदाइका की फॉर्म में जो है उसको प्रॉपर्टी दी जाती थी, ठीक है। और वो अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, शी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ ऑन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। और साथ ही साथ बोला कि वो इसको इतना भी राइट नहीं था पहले कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सके बिना हस्बैंड की कंसेंट से, ठीक है। बट ऑल दीज लिमिटेशन वर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, यहां पर बोला कि लेकिन ये सभी जो है वो सीमाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से जो है वो हटा दी, के द्वारा जो है वो हटा दिया गया, ठीक है, जब हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 का, ठीक है, जिसमें ये सारी लिमिटेशन को जो भी यहाँ प्रेस्क्राइब करी गई थी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया और कुछ एक थोड़ी सी पावर जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दे दी गई। अब हम बात करते हैं, ठीक है, स्त्री धन अंडर द क्रिमिनल लॉ, जो डॉरी एंड स्त्री धन की बात करते हैं, ठीक है, और फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी है, अब्यूज, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, तब भी जो है वो यदि किसी वुमेन के की प्रॉपर्टी को ना अपने पास किसी ने रखा, ठीक है, और बाद में उसको दे नहीं रहा, तो इस बेस पर भी जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस भी जो उसके द्वारा फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो बोला कि डॉरी एंड स्त्री धन की बात की जाती है तो अंडर द डोमेस्टिक लॉ डॉरी मीन द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब प्रॉपर्टी और आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, और जो कि एग्री होते हैं, जैसे कि हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देखा था ना, सॉरी डॉरी डेथ में देखा था, डॉरी क्या होती है, ठीक है, डॉरी डेथ क्या होती है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ली जा रही है वो एग्री हो रहे पार्टीज देने के लिए लेने के लिए बोथ साइड, ठीक है, हस्बैंड के साइड में भी, वाइफ के साइड में भी, मतलब ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के साइड में, इस तरह का कोई भी लेन देन हो रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज तो हम उसको डॉरी कंसिडर करते हैं। और मेन डिफरेंस क्या है डॉरी और स्त्री धन में, तो डॉरी में क्या होता है ना कि डिमांड की जाती है, अंडर इन्फ्लुएंस किया जाता है, कोर्शन किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, और डॉरी अट्रैक्ट करती है एप्लीकेशन ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1956। ऑन द अदर हैंड जो स्त्री धन है वो एक खुद से दी गई, मतलब एक प्रॉपर्टी, जैसे कि हम सदाइका एंड नॉन सदाइका हमने देखा कि कुछ एक गिफ्ट की फॉर्म में प्रॉपर्टी दी जाती है, कुछ जो है वो इनहेरेंट सॉरी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको खुद से एक्वायर करती है वुमेन, ठीक है। तो ये आता है स्त्री धन आपका आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और जो डॉरी है वो आता है हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, ठीक है, 1961 में, और इसको प्रोहिबिट किया है कि इस तरह का लेन देन जो है वो नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 3 बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस मेंशन डिप्राइवेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्त्री धन। यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कि वो डिस्पोजल कर रहा है स्त्री धन जो कि एक वुमेन की प्रॉपर्टी है, तो उसको यदि डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन, ये मतलब है इसका यहाँ पे पढ़ने का, ठीक है। तो यदि कोई पर्सन क्या कर रहा है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है जो इसका स्त्री धन है, ठीक है। स्त्री धन क्या होता है हमने देखा ना कि उसको एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी पर, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में उसको दी गई है तो उसने सेल्फ अर्न करी है, तो आपकी स्त्री धन, जब जब भी किसी महिला को
फुल एब्सोल्यूट ऑनर जो है वो बना दिया जाता है उस प्रॉपर्टी का, उसे हम स्त्री धन कहते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस में हम देखते हैं कि सेक्शन 3 में जो प्रोविजन दिया है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें ये भी मेंशन किया है यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की जो स्त्री धन है उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है तो ये आपका इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। ठीक है, अब आपका इकोनॉमिक एब्यूज इंक्लूड करता है डिप्राइवेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्रीव्ड पर्सन जो एंटाइटल है। ठीक है, एनी लॉ और कस्टम वेदर पेबल अंडर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज विच द एग्रीव्ड पर्सन रिक्वायर आउट ऑफ नेसेसिटी इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड हाउस होल्ड नेसेसिटी बट एग्रीव्ड पर्सन एंड हर चाइल्ड। स्त्री धन प्रॉपर्टी ज्वाइंटली और सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन पेमेंट और रेंटल रिलेटेड टू द शेयर हाउस होल्ड और मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो इकोनॉमिक रिव्यूज में सब कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि किसी हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल वंचित रखा जाता है, जितनी भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं और इकोनॉमिक से जो है वो बिल्कुल वंचित रखा जाता है, जिसकी वो लेने की हकदार है। ठीक है, वो लेने की हकदार है, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने की का उसका राइट है, वो उसके लिए क्लेम कर सकती है। मेंट आपका खर्चों के लिए वो हस्बैंड से ही तो मांगेगी, है ना, तो उसी पर तो भरोसा करके वो शादी करके आई है। तो यहाँ पर बोला यदि इस तरह का फाइनेंशियल उसको तंगी दी जा रही है, उसकी जो नेसेसिटीज है उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें आता है, इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। साथ ही साथ जो उसकी स्त्री धन है, ठीक है, उसको भी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी आपका क्या आता है, इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। और डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, यदि घरेलू प्रभावों का निपटान या एलिनेशन ऑफ असेट्स और वेदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स सिक्योरिटीज बॉन्ड्स लाइक अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, विच द एग्रीव्ड पर्सन हैज इंटरेस्ट, जिसमें एग्रीव्ड पर्सन का इंटरेस्ट था, मतलब जो भी पार्टी है जब वो केस फाइल करेगी तो वो एग्रीव्ड पर्सन ही तो होगी, है ना। तो बोला कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है जहां पर उस प्रॉपर्टी का उसको वेरी इंटरेस्ट था, तो यदि उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जा रही, जहां पर वो वाइफ क्या थी, इंटाइटल थी, ठीक है, इंटाइटल थी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, यदि उसके मतलब किसी के भी द्वारा, ठीक है, उसका हस्बैंड है उसके द्वारा डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है उसको, तो ये सब आपका इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन की, उस वुमेन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उसका जितना भी शादी के टाइम में जो भी ले जो उसको स्त्री धन मिला गिफ्ट के फॉर्म में जो मिला, ठीक है, गिफ्ट के फॉर्म में, डॉरी की बात नहीं कर रहे, यदि हम बात करें गिफ्ट के फॉर्म में जो उसको मिला स्त्री धन, या ठीक है, या तो डॉरी की भी बात करी जा सकती है, जो भी उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है महिला के पास, ठीक है, यदि उस प्रॉपर्टी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो किया जा रहा, मतलब उसकी उसका जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो स्त्री धन का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, या मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा रहा है, कि आपने किस बड़े विश्वास के साथ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने ससुराल में एक कमरे में रखा है, लेकिन जो ससुराल वाले हैं क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहे हैं या उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मतलब उसको अननेसेसरी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आप सेक्शन 405 और 406 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। ये सब हमने लॉ ऑफ क्राइम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें। अब प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार 1985 का केस है। यहाँ पर बोला कि एक पत्नी को परेशान किया गया और ससुराल से बाहर निकाल दिया गया, बार बार मांग करने के बावजूद भी उसके कपड़े और गहने जो है वो नहीं दिए गए, और उससे तो ये आपका क्या आ जाएगा कि उसी की अपनी ही प्रॉपर्टी, उसकी अपनी ही ज्वेलरी, उसके क्लोथ्स, ठीक है, वो उन्होंने नहीं दिए, तो ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन के केस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि उन्होंने इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 405 एंड 406 के तहत जो है वो आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन के मिस अप्रोप्रिएशन और अपने स्त्री धन का दुरुपयोग करने का, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन करने का जो है वो मामला दर्ज करवाया, और 18
सिक्सी जब हम बात करते हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट में कुछ कुछ राहत दी गई, तो शिकायत खारिज कर दिया गया और ये कहा कि भारतीय दंड संहिता 406 में ऐसे मामले जो है वो लागू नहीं होते, क्योंकि शादी जब हो जाती है तो पत्नी क्या स्त्री धन दोनों पति पत्नी जो है वो समान रूप से यूज कर सकते हैं, लेकिन विलय अनुसार पत्नी को अपने स्त्री धन की वापसी के लिए सिविल अदालतों का दरवाजा जो है वो खटखटाने के लिए कहा गया था, ठीक है। लेकिन पत्नी ने क्या करा उस केस में, उस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, और तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सिंपली तरीके से बोला कि यह मतलब इसका कि ठीक है, और ये कहा कि इसलिए कि पार्टियां विवाहित हैं, इसलिए कि हस्बैंड एंड वाइफ या जो वाइफ है या हस्बैंड है दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी जो पति है या पति पत्नी में से कोई भी आपराधिक विश्वासघात के कृत्यों को अंजाम दे, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको मिसयूज कोई भी ना करे, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ हिंदू मैरिड वुमेन का एब्सोल्यूट ऑनर होती है वो किसके लिए, अपने स्त्री धन और प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कितना डिटेल में बताया गया। तो बोला कि हिंदू मैरिड वुमेन जो है वो आपकी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाती है स्त्री धन और प्रॉपर्टी के लिए, मतलब स्त्री धन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, और वो उसको इस तरह वो किसी भी तरह से निपट कर सकती है, मतलब वो भी उसको एब्सोल्यूट ऑनर जब बन गई वो उस प्रॉपर्टी की स्त्री धन की, तो वो एब्सोल्यूट उसको किसी भी तरह से चाहे इस तरह से जो है उसका यूज कर सकती है, निपट सकती है, यहां तक कि अगर इसे उसके पति या ससुराल वालों की हिरासत में रखा जाता है तो उन पति या पत्नी या उनके इन लॉज को क्या माना जाता है कि वो ट्रस्टी हैं उस सामान के, ठीक है, वो उसके मालिक नहीं बनते, जो बोले कि जो स्त्री धन है ना, स्त्री धन की प्रॉपर्टी जो है वहां पर जो वाइफ होती है, जिस भी वुमेन की वो प्रॉपर्टी है उसको एब्सोल्यूट ऑनर माना जाता है, और जो इसका हस्बैंड है और इन लॉज है उनको ट्रस्टी माना जाता है इस केस में, ठीक है, और वो बाउंड होते हैं रिटर्न करने के लिए जब भी उसकी डिमांड की जाती है बाय हर हस्बैंड, ठीक है, बाय हर मतलब बाय हर, ठीक है, उसके द्वारा जब भी अपने हस्बैंड से या अपने इन लॉज से उस प्रॉपर्टी की डिमांड करी जाती है तो उसको वो देना पड़ता है, ठीक है, और बेटर प्रोटेक्शन के लिए, बेटर प्रोटेक्शन है स्त्री धन की, द वुमेन शुड मेक अ लिस्ट की एक लिस्ट बना ले अपने गिफ्ट की प्रॉपर्टी की जो भी उसने रिसीव करी थी बिफोर और ड्यूरेशन ऑफ आवर मैरिज फ्रॉम द फैमिली एंड फैमिली फैमिली हस्बैंड फैमिली एंड द फ्रेंड एंड अदर एक्वाइंटेंस, ठीक है, और टू भी आप देखो कि जब भी आप ना केस फाइल करते हो, ठीक है, जब भी आप कोर्ट में गए होंगे यदि किसी ने केस फाइल करा भी होगा तो बोलते थे कि दहेज जो है वो वापस लेके आना है, तो वो लड़की क्या करती है लिस्ट बनाती है कि कितने गहने थे, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना उसने रेफ्रिजरेटर दिया था, बेड दिया था, जो अलमीरा दी थी वो दी थी, वो सब सब कुछ वो लिस्ट बनाती है। तो बोला है कि आप जो है वो लिस्ट बना के कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो यदि वो आपको स्त्री धन चाहिए तो, ठीक है, यदि कोई पर्सन मतलब हस्बैंड या उसके इन लॉज क्या कर रहे हैं उसका मिस यूज कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि उनको क्या माना जाता है कि ये ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी के, ऑनर नहीं माना जाता, ठीक है, और द वुमेन शुड ऑल्सो कीप पेपर और ऑल गिफ्ट जो भी उसने अपने पास रखे हैं कागजात जो उसने जो भी उसको एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी प्रॉपर स्त्री धन उसको मिला था उसकी वो लिस्ट बना के जो है वो रख सकती है, यदि इन फ्यूचर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा जितनी भी आपके बाकी सेक्शन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो बेयर एक्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और ये तो हम पढ़ रहे थे स्त्री धन का, इसके अलावा जो हमारा ठीक है, जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल हम अडॉप्शन के रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस करेंगे, जितना भी पोर्शन हमारा हो जाएगा उतना हम डिस्कस करेंगे। ये तो बिल्कुल मेंटेनेंस का प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि मेंटेनेंस कौन कौन से एक्ट के तहत हो रहा है हमें मिलती है, ठीक है, तो हमारा सेक्शन 125 भी है, ठीक है, जिसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताना था, अदरवाइज जो है वो काफी ठीक है,
अदरवाइज जो है काफी हद तक अच्छा सा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है विद केस लॉस। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि किस किस को समझ आ गया और किस को नहीं आया। ठीक है, जल्दी से बता देना। मनीषा जी, अभिजीत जी, मोहम्मद जी, रेखा जी, सभी बताना, ललिता जी आप भी बताना। ठीक है, और इन दोनों पीडीएफ को मैं आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, देख लीजिएगा। मुझे समझ आ गया, अच्छा जी, ठीक है, चलो, थैंक यू सबको, थैंक यू। अभी ठीक है ना, टाइम से फ्री हो गए, थोड़ा सा जल्दी कर लिया तो, क्योंकि बातें नहीं करी हमने कोई भी, बहुत डिस्कशन किया अच्छा सा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिजीत जी आपको भी समझ आ गया, मनीषा जी ठीक है, थैंक यू दीपमाला जी। ठीक है, अभिजीत जी भी बता दो, चले जाए क्लास छोड़ के। अच्छा चलो ठीक है।